उन्हें ना पता है सूरज फिदा है हमी पर, बदल देंगे दुनिया ये भरोसा है हम पर, अंधेरे से चल देंगे गुमराह करती राहे हमें भी पता है, फरे भी गलियां सारी हमें भी पता है, निगाहें परिंदों की निगाहें परिंदों की हम चलते हैं लेकर, बदल देंगे दुनिया है भरोसा है हम पर, अंधेरे से चल देंगे सत्यमेव जयते नारा जीता है हमेशा, धोखेबाज चाहे जितना कर ले तमाशा, लड़ेंगे बुराई से लड़ेंगे बुराई से हम सच्चाई के दम पर, बदल देंगे दुनिया ये भरोसा है हम पर, अंधेरे से चल देंगे हम उजाले के दम पर, बदल देंगे दुनिया ये भरोसा है हम पर, बदल देंगे दुनिया ये भरोसा है हम पर। धन्यवाद। हमीद, श्रीयुत अण्णा आणि रेशमा, तुम्ही तिघे तयार आहात का? असाल तर अभिवादन गीत घेण्यासाठी वरती यायचं आहे। पाहुणे सभागृहात येत आहेत। अण्णा कडलस्कर आणि रेशमा कृपया स्टेजवर यायचे।
पाहुण्यांचं डॉक्टर शंतनू अभ्यंकर विचार मंचावर आगमन होत आहे. सुरुवातीला डॉक्टर सतीश आळेकर, डॉक्टर वरुण ग्रोवर, डॉक्टरों के साथ रहते वो डॉक्टर ही होते. यानंतर हमीद दाभोलकर, रेशमा आणि अण्णा कडलसकर अभिवादन गीत सादर करतील. अभिवादन करून तुम्हा डॉक्टर दाभोलकर, अभिवादन करून तुम्हा डॉक्टर दाभोलकर. डॉक्टर दाभोलकर जो मनने उपुढे चळवळ, डॉक्टर दाभोलकर जो मनने उपुढे चळवळ. तुम्ही विचार आम्हा दिले जनमानसात रुजविले, तुम्ही विचार आम्हा दिले जनमानसात रुजविले. विवेक आणि विज्ञानाचे, विवेक आणि विज्ञानाचे आम्हाला बळ दिले, आम्हाला बळ. डॉक्टर दाभोलकर जो मनेने उपुढे चळवळ, डॉक्टर दाभोलकर जो मनने उपुढे चळवळ. गड समतेचा लढविला तुम्ही रणांगणी जिंकला, गड समतेचा लढविला तुम्ही रणांगणी जिंकला. हतबल होऊन दांभिकांनी, हतबल होऊन दांभिकांनी कशी साधली वेळ, कशी साधली वेळ. डॉक्टर दाभोलकर जो मनने उपुढे चळवळ, डॉक्टर दाभोलकर जो मनने उपुढे चळवळ. अंधश्रद्धांचे क्षालन झाला सरकारी कानून, अंधश्रद्धांचे शालन झाला सरकारी कानून. लढा उभारून तुम्ही मिळवले, लढा उभारून तुम्ही मिळवले कायद्याचे पाठबळ, कायद्याचे पाठबळ. डॉक्टर दाभोलकर जो मनने उपुढे चळवळ, डॉक्टर दाभोलकर जो मनने उपुढे चळवळ. तुम्ही बलिदान जे दिले आज सर्वांना उमगले, तुम्ही बलिदान जे दिले आज सर्वांना उमगले. बीज पेरले सुधारणेचे, बीज पेरले सुधारणेचे येईल त्याला फळ, येईल त्याला फळ. डॉक्टर दाभोलकर जो मनने उपुढे चळवळ, डॉक्टर दाभोलकर जो मनने उपुढे चळवळ, डॉक्टर दाभोलकर जो मनने उपुढे चळवळ, जो मनने उपुढे चळवळ, जो मनने उपुढे चळवळ, जो मनने उपुढे चळवळ. बुलंद करूया, बुलंद करूया. फुले शाहू आंबेडकर, फुले शाहू आंबेडकर. धन्यवाद गायक टीम. आज आपली नेहमीची जी टीम आहे अभिवादन गीत गाणारी, ती आज तिकडच्या भागात खूप पाऊस पडल्यामुळं त्यांना येता आलेलं नाही आहे, म्हणून आज आपण अचानक दुसऱ्या टीमला उभा केलेला आहे आणि त्यांनी उत्तम रीतीने अभिवादन गीत सादर केलेलं आहे. धन्यवाद अण्णा, रेशमा आणि हमीद. आज आपल्याला माहीत असेल की वैज्ञानिक दृष्टिकोन दिवस म्हणून भारतामध्ये साजरा केला जातो आणि डॉक्टर दाभोलकरांचा 11वा स्मृती दिन तो दरवर्षी 20 ऑगस्ट या दिवशी संपूर्ण भारतामध्ये शास्त्रज्ञांनीच जाहीर केलेला आहे की आजच्या दिवशी वैज्ञानिक दृष्टिकोन दिन म्हणून साजरा करूया. आपल्याला माहिती आहे की वैज्ञानिक दृष्टिकोन म्हणजे काय, तर कार्यकारण भाव, आणि कार्यकारण भाव म्हणजे काय, तर जेवढा पुरावा तेवढाच विश्वास.
दुसरी गोष्ट निरीक्षण, तर्क, अनुमान, प्रचिती आणि प्रयोग या मार्गाने वैज्ञानिक दृष्टिकोन पुढे जातो. हे आपण एकदा लक्षात ठेवलं की आपल्याला आज डॉक्टर दाभोळकरांचा 11वा स्मृतिदिन साजरा करताना पुढील कार्यक्रमाची रूपरेषा मला विशद करायला ठीक वाटेल. तर यानंतर अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या राज्यकारिणी सदस्य मुक्ता दाभोळकर या ठिकाणी प्रास्ताविक सादर करतील. मुक्ता, नमस्कार. विचार मंचावरील मान्यवर आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष माननीय आळेकर सर, ज्यांचं व्याख्यान ऐकण्यास आपण सर्व उत्सुक आहोत, असे प्रसिद्ध गीतकार, स्टँडअप कॉमेडियन वरुण ग्रोव्हर, या कार्यक्रमासाठी आवर्जून उपस्थित असलेले पुण्यातले सर्व विवेक साथी, महाराष्ट्र अनिसचे सर्व कार्यकर्ते, आजच्या दिवशी डॉक्टर नरेंद्र दाभोळकरांच्या खुनाला 11 वर्ष पूर्ण होत आहेत. आणि गेल्या 11 वर्षामध्ये आपण रस्त्यावरच्या प्रोटेस्टपासून गावोगावी निर्भय मॉर्निंग वॉक किंवा 20 ऑगस्टच्या निमित्ताने त्या वेळेस जाहीर केलेले अनेक कार्यक्रम हे सर्व करत आहोत. गेल्या 11 वर्षामध्ये हे जे आजचं डॉक्टर नरेंद्र दाभोळकर स्मृती व्याख्यान आहे त्यासाठी माननीय जावेद अख्तर, राजदीप सरदेसाई, पी साईनाथ, योगेंद्र यादव यांच्यासारखे देशभर प्रसिद्ध असलेले आणि हिंदीतून बोलणारे लोक किंवा मराठी मातीतले मराठी समाजामध्ये विचारवंत म्हणून प्रसिद्ध असलेले सदानंद मोरे सर, रावसाहेब कसबे यासारखे अनेक लोक या स्मृती व्याख्यानाला येऊन गेलेत. गेल्या वर्षी महाराष्ट्राची हास्य जत्रा हा संपूर्ण महाराष्ट्राचा जो लाडका कार्यक्रम आहे त्यातील कलाकारांनी त्यांच्या स्किटच्या मार्फत डॉक्टरांना अभिवादन केलं. आज आपल्याला वरुण ग्रोव्हर यांनी जो विषय दिलेला आहे तो मला असं वाटतं की या स्मृती व्याख्यानासाठीचा अतिशय उचित असा विषय आणि वेगळा विषय आहे. क्युरिओसिटी ॲज वे ऑफ लाईफ त्यांनी स्वतःच हा विषय सुचवला. आणि विज्ञानामध्ये किंवा विवेकाने जगताना त्याची सुरुवात ही स्वतःच्या कुतूहलापासून होते आणि त्याबद्दल निश्चित आम्ही ऐकण्यास उत्सुक आहोत. मला हिंदीमध्ये बोलावं लागू नये म्हणून मी त्यांना आधीच मी अनिसबद्दल जे काही सांगणार आहे ते बोलून घेतलं, त्यामुळे मी मराठीत बोलणं शक्य आहे आपल्याला. मला फक्त या निमित्ताने थोडंसं प्रस्तावनेमध्ये कामाबद्दल सांगायचं आहे. डॉक्टरांच्या खुनाच्या खटल्याचा निकाल 10 मे रोजी लागला. 2 मारेकऱ्यांना जन्मठेपेची शिक्षा झाली आणि 3 मारेकरी हे निर्दोष मुक्त झाले. जे निर्दोष मुक्त झाले त्यावेळेस सत्र न्यायालयाने त्यांच्या 170 पानी निकालामध्ये अतिशय स्पष्टपणे वेळोवेळी हे लिहिलं की केवळ पुरेशा पुराव्याच्या अभावामुळे सबळ संशय असून देखील हे निर्दोष मुक्त होऊ शकले, असं अतिशय स्पष्टपणे सत्र न्यायालयाने त्यामध्ये नमूद केलेलं आहे. त्याबरोबर त्यांनी हेही लिहिलं की या आरोपींची सामाजिक पार्श्वभूमी, त्यांची वय हे सगळं लक्षात घेता एवढ्या मोठ्या खुनाचा कट हे लोक रचू शकणार नाहीत, त्यामुळे निश्चितच या खुनाला मास्टर माइंड आहे. आणि त्यांनी पुढे असे शब्द वापरले की हे एकतर तपास यंत्रणेची असमर्थता आहे किंवा कोणीतरी सत्तेमध्ये बसलेलं त्यांना हे करू देत नाही आहे. कोई तो पॉवर में ऐसा है की जो इन्हें ये बात करणे से रोक रहा है, असं स्पष्ट सत्र न्यायालयाच्या लिखित निकालामध्ये म्हटलेलं आहे. यानंतर अशी अपेक्षा होती की CBI या 3 आरोपींच्या मुक्ततेविरुद्ध उच्च न्यायालयामध्ये जाईल. आम्ही कुटुंबीय म्हणून उच्च न्यायालयामध्ये गेलोच आहे, तो आपल्याला अधिकार असतो. परंतु CBI ने अजूनही उच्च न्यायालयामध्ये 100 दिवस उलटून गेले तरीही यांच्या 3 जणांच्या सुटकेविरुद्ध अपील दाखल केलेलं नाही. त्यांना आम्ही एक रिप्रेझेंटेशन पाठवलं वकिलांच्या मार्फत तयार केलेलं. आणि या निकालातल्या ज्या सगळ्यात महत्त्वाच्या गोष्टी होत्या, जी न्यायालयाची निरीक्षणं आहेत, जी CBI च्या कमतरतेवर त्रुटीवर बोट दाखवतात, या सगळ्या गोष्टी त्यांच्या निदर्शनास आणून दिल्या. त्यांनी आम्हाला अजून त्या पत्राला उत्तर देखील दिलेलं नाही. परंतु आमची अशी अपेक्षा आहे आणि तसा पाठपुरावा चालू राहील की CBI या
खुनाच्या सुटलेल्या आरोपींच्या विरोधात किमान अपिलात तरी त्यांनी जाणं अपेक्षित आहे. या पुढे जाऊन त्यांनी खरं तर ही केस रिओपन करून सूत्रधारांचा शोध घेतला पाहिजे, कारण ही काही जनभावना नाही आहे, हे न्यायालयाचं निरीक्षण आहे. पण यानंतर झालेले जे तीन खून आहेत, कॉम्रेड पानसरे, कलबुर्गी आणि लंकेश, या तिन्ही खुनांच्या ट्रायल्स आज वेगवेगळ्या ठिकाणी चालू आहेत आणि जवळपास 12 आरोपी या सर्व खटल्यामध्ये समान आहेत. त्यामुळे यातली लिंक आहे ती कुणी बोलायची गरजच नाही आहे. नालासोपारा आर्म्स हॉल केस आणि हे चार खून याच्यामधले आरोपीच समान आहेत, त्यामुळे हे आता तपास यंत्रणांकडनं समोर आलेलं आहे. हा मास्टर माइंड जोपर्यंत पकडला जात नाही किंवा त्याचा पर्दाफाश होत नाही तोपर्यंत बाकीच्या विवेकवाद्यांच्या जीवाला असलेला धोका देखील टळू शकत नाही. त्यामुळे अशी अपेक्षा व्यक्त करू की CBI आणि या उरलेल्या तपास यंत्रणा या मास्टर माइंडपर्यंत पोहोचतील. आजच्या दिवशी म्हणजे तपासाबद्दल बोलणं हा एक भाग, तपासाचा पाठपुरावा करणं हा एक भाग, आणि डॉक्टरांच्या खुनाबद्दल बोलताना निश्चितच त्याचा दुसरा भाग असा राहतो की काम कसं चाललं आहे. कारण माणूस मारून विचार संपत नाही हे आपण जेव्हा बोलतो तेव्हा ते काम पुढं घेऊन जाणं आणि ते काम वाढवणं या आजच्या परिस्थितीशी त्याची मेळ घालणं ही निश्चितच आपली जबाबदारी आहे. महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने या वर्षीच्या 20 ऑगस्टच्या निमित्ताने 3 कृती कार्यक्रम निवडले होते. डॉक्टरांच्या 15 पुस्तिका प्रकाशित केल्या, गेल्या वर्षी 10 पुस्तिका प्रकाशित केल्या होत्या डॉक्टरांच्या स्वतःच्या लिखाणाच्या. त्या 10 पुस्तिका जवळपास 1,00,000 लोकांपर्यंत पोहोचल्या, विक्री झाली, म्हणजे त्याची नुसत्या पोहोचल्या नाहीत. त्याचबरोबर यावर्षीच्या 15 पुस्तिकाही या मोठ्या प्रमाणामध्ये लोकांपर्यंत पोहोचू अशी अपेक्षा आहे. 15 ते 20 मिनिटात वाचून होईल अशी पुस्तिका आहे. आणि जे नेहमी चळवळीवर आक्षेप घेतले जातात, श्रद्धा अंधश्रद्धेविषयी असेल, त्यात लागू दाभोलकर यांचा परिसंवाद आहे, किंवा श्रद्धा किंवा अनिसवर्ती हेत्वारोप अनेकदा केले गेले काय ब्राह्मणी अंधश्रद्धांना विरोध न करण्याचे, तर आम्हीच खरे ब्राह्मण्य विरोधक, अशी डॉक्टरांनी लिहिलेल्या लेखाची पुस्तिका देखील या पुस्तिकांमध्ये समाविष्ट आहे. त्यामुळे मी असं विनंती करेन की तुम्ही जरूर जाताना या पुस्तिकांचा संच घ्या, स्वतः वाचा आणि इतरांना भेट द्या, कारण चळवळीविषयीचे हेतुपुरस्सर पसरवलेले गैरसमज याच्यातून दूर होऊ शकतात. त्यानंतर तुम्हाला आठवत असेल की हाथरसमध्ये जो प्रकार घडला त्यामध्ये 116 निरपराध बाया चिरडल्या गेल्या त्या बाबाच्या टायरच्या खालच्या माती उचलण्याच्या प्रयत्नामध्ये. तेव्हा मल्लिकार्जुन खरगेंनी असं स्टेटमेंट केलं की अशा प्रकारचा जो कायदा महाराष्ट्रात आहे, जादूटोणा विरोधी कायदा, तो कायदा संपूर्ण देशभर होणं गरजेचं आहे. त्यामुळे आम्ही आज आणि पुढच्या काही दिवसांमध्ये महाराष्ट्रातल्या सर्व खासदारांना ठिकठिकाणी निवेदन देतोय की त्यांना महाराष्ट्रामध्ये पुरोगामी हे विशेषण वापरायला सर्वांना आवडतं आणि ते त्याचा वापर स्वतःची इमेज सुधारण्यासाठी करायला देखील सगळ्यांना आवडतं. तर या खासदारांकडून आमची ही अपेक्षा आहे की त्यांनी निश्चित या प्रकारचा कायदा देशभर व्हावा यासाठी केंद्रीय पातळीवर प्रयत्न करावेत, त्यासाठी आम्ही त्यांना हे निवेदन आज देणार आहोत. शासनानं केलेली एक चांगली गोष्ट म्हणजे महाराष्ट्राचे कायदा व सुव्यवस्था विभागाचे जे पोलीस महानिरीक्षक आहेत त्यांनी एक 15 दिवसापूर्वी पत्रक काढलं आणि या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्राच्या प्रत्येक पोलीस ठाण्यामध्ये अंधश्रद्धा निर्मूलन कक्ष स्थापन करण्यात यावा असा निर्णय घेतला. तर या कायदे नुसते होऊन उपयोग नाही, त्याची अंमलबजावणी होणं गरजेचं आहे आणि मला वाटतं की महाराष्ट्रामध्ये चळवळ असल्यामुळे ते शक्य होतं. तर आज आपण ठिकठिकाणी पोलीस स्टेशनना देखील हे निवेदन देतो की हा कक्ष तुम्ही सुरू करा. मला आठवते की कर्नाटकमध्ये देखील महाराष्ट्रासारखाच कायदा झाला, जादूटोणा विरोधी कायदा, परंतु कर्नाटकमध्ये या विषयावर काम करणारी चळवळ जमिनीवर नसल्यामुळे या कायद्याखाली माझ्या माहितीप्रमाणे 5-7-10 देखील केसेस दाखल झालेल्या नाहीत आणि महाराष्ट्रामध्ये 1200 अधिक गुन्हे या कायद्याखाली दाखल झालेले आहेत. या कायद्यामध्ये मला फक्त काही उदाहरणं सांगायला आवडतील. गेल्या वर्षी महाराष्ट्राच्या सत्ताधारी पक्षातल्या एका नेत्याने मुंबईमध्ये घाटकोपरमध्ये एक राजस्थानातनं बाबा आणला, त्याचं नाव कंबलवाले बाबा,
आणि अनेक विकलांग लोक त्याच्या इथे येत होते त्याच्या घराच्या बेसमेंटमध्ये, आणि तो कंबलवाले बाबा लोकांच्यावर कंबल टाकायचा, अक्षरशः शेकडो लोक येत होते आणि अतिशय बघणं दुर्धर होतं अशा प्रकारची विकलांगता असलेले लोक, तो कंबलवाले बाबा त्यांना मिठी मारायचा बाया असल्या तरी आणि ते बरे होणार असं जाहीर करायचा. तर आम्ही फक्त हे निदर्शनच आणून दिलं ट्विटरच्या माध्यमातून आणि दुसऱ्या दिवशी कंबलवाले बाबाला तो आणि त्या राजकारण्याला तो दरबार बंद करावा लागला, कारण महाराष्ट्रामध्ये जादूटोणा विरोधी कायदा आहे. किंवा बागेश्वर धाम बाबा हा जो आता प्रसिद्धीला आलेला बाबा आहे, त्या बाबाने नागपूरमध्ये येऊन चमत्काराचे दावे केले, त्यानंतर पोलिसांना हे कळवल्यानंतर त्याला नागपूर सोडून इंदोरला जाऊन हे सगळं बोलावं लागलं. आज महाराष्ट्रामध्ये कोणीही उघडपणे चमत्काराचा दावा करू शकत नाही, आणि केला तर त्याला निश्चित कायद्याचा धाक आहे. तर मला वाटतं की ही मोठी उपलब्धी आहे चळवळीची, आणि आपण हे केंद्रीय पातळीवर घेऊन जाण्याचा प्रयत्न करूया. अशा प्रकारचा कक्ष होण्यासाठी अनिसा प्रयत्न करेल, आणि मला असं वाटतं की पुढच्या वर्षभराच्या काळामधला हा कृती कार्यक्रम देखील अनिसाचा असेल. यानंतर आपण सर्वजण वरुण ग्रोव्हर यांना ऐकण्यास उत्सुक आहोत, परंतु आजच्या दिवसाचं औचित्य म्हणून डॉक्टरांच्या खुनाच्या तपासाबद्दल काय चाललेलं आहे आणि कामाबद्दल काय चाललेलं आहे या दोन्ही गोष्टी तुमच्याशी बोलायच्या होत्या. उरलेले जे 3 खून आहेत त्यांच्या ट्रायल्स देखील पुढच्या 1 ते 2 वर्षामध्ये पूर्ण होतील, आणि या संपूर्ण कटाचे धागेदोरे उलगडण्याचा प्रयत्न अधिक पूर्णत्वास जाईल अशी अपेक्षा आपण व्यक्त करूया. यानंतर मी माझं हे थोडंसं लांबलेलं परंतु आजच्या दिवसासाठी आवश्यक असलेलं असं प्रास्ताविक संपवते आणि आपण मुख्य कार्यक्रमाकडे वळूया. धन्यवाद. धन्यवाद मुक्ता मॅडम. आज आपल्या समोर आपण पाहतोय की आपल्या विचारमंचाचं नाव डॉक्टर शंतनू अभ्यंकर विचारमंच असं दिलेलं आहे, आणि त्याचं कारण म्हणजे 14 ऑगस्टच्या दिवशी आपल्या चळवळीतील अतिशय सक्रिय असे आपले डॉक्टर मित्र सातारा जिल्ह्याच्या अनिश्चित जे अध्यक्ष होते, आणि त्यापेक्षा जास्त म्हणजे ते खूप सक्रिय असे अंधश्रद्धा निर्मूलनाचे 24 तास कार्यकर्ते होते. असे डॉक्टर अभ्यंकर हे फुफ्फुसाच्या कॅन्सरमुळे त्यांचं निधन झालेलं आहे. त्यांची आठवण म्हणून, त्यांना श्रद्धांजली म्हणून, आदरांजली म्हणून आपण 2 मिनिटं उभं राहावं अशी मी विनंती करतो. धन्यवाद. आज डॉक्टर दाभोळकरांचा जो स्मृतिदिन आहे तो आपण कृतिशीलरित्या वैज्ञानिक दृष्टिकोनाच्या संदर्भात जनजागृती करण्यासाठी म्हणून हा दिवस निवडलेला असतो. तशी वर्षभर आपण हाच उद्योग करतो, वैज्ञानिक दृष्टिकोनाबद्दलची माहिती लोकांना देतो आणि तो दृष्टिकोन त्यांनी अंगीकार करावा, प्रचार प्रसार करावा म्हणून आपण एक काम करत असतो. तर यामध्ये आपल्याला माहिती आहे की जी 5 तत्त्वं आहेत डॉक्टर दाभोळकर सर आपल्याला नेहमी सांगायचे, त्याच्यामध्ये ते हेही सांगायचे की आर्यभट नावाच्या शास्त्रज्ञांनी, की जो ॲस्ट्रॉनॉमर होता, ॲस्ट्रॉलॉजर होता आणि फादर ऑफ इंडियन मॅथमॅटिक्स होता, त्याच्या नावाचा उल्लेख करायचे सर आणि म्हणायचे की कोपर्निकसच्या अगोदर 1000 वर्षे अगोदर आर्यभटांनी हे दाखवून दिलं होतं की पृथ्वी सूर्याभोवती फिरते. जरी सूर्य तिच्याभोवती फिरतो असं दिसत असलं तरी तसं नसून पृथ्वी सूर्याभोवती फिरते, आणि ही गोष्ट कोपर्निकसच्या अगोदर, गॅलिलिओच्या अगोदर 1000 वर्ष ह्या आर्यभटाने सांगितलं होतं. चला यानंतर पुढे मी विनंती करतो, आजच्या प्रमुख पाहुण्यांची ओळख करून देण्याची आहे, ती म्हणजे वरुण ग्रोव्हर यांची ओळख मान्य अण्णा कडलासकर यांनी करून द्यावी अशी मी त्यांना विनंती करतो. अण्णा नमस्कार. आज के इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता के रूप में हमारे बीच में उपस्थित माननीय वरुण ग्रोवर जी का परिचय देने के लिए मैं आपके सामने खड़ा हूँ.
जी आपने 2003 में बनारस विश्वविद्यालय हिंदू विश्वविद्यालय से आईआईटी बनारस से बीटेक की डिग्री करने के बाद पुणे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में अपना करियर चालू कर दिया, लेकिन उनके अंदर का जो लेखक है उस लेखक ने करवट बदल डाली है और केवल 11 महीने के बाद ही अपने ये जॉब छोड़ के टेलीविजन इंस्टीट्यूट में प्रवेश करने के लिए उनके दरवाजे से घुसने की कोशिश की। फिर चाय के उनके सामने के जो चाय के अड्डे हैं वहाँ से किसी उस इंस्टीट्यूट के विद्यार्थियों से परिचय करवा के आपने उस फिल्म इंस्टीट्यूट के लिए लेखन का काम चालू कर दिया और उसके बाद आप बम्बई चले गए और एक डेढ़ साल के बाद ही 26 जुलाई 2005 में आपको मालूम है कि पूरी बम्बई बारिश के पानी में डूब रही थी। तब आपने जो उस समय चलने वाला जो इंडिया कॉमेडी शो था उसमें राइटर के रूप में बहुत अच्छा काम किया था और वो 26 जुलाई 2005 में आपका नाम पूरी मीडिया में एक राइटर के रूप में सबके सामने आया और एक किस्सा हमने सुना उसके बारे में एक ताज्जुब वाली बात है। आपने पेपर चोर, भिक्षु और करेजवा जैसी किताबें का लेखन किया है। गीतकार के रूप में आप सभी को मालूम है कि उन्होंने कई फिल्मों में गीत का लेखन किया है, उनमें से दम लगा के ऐसा इस फिल्म के जो गीत है मोह मोह के धागे इस गीत के लिए उन्हें 2015 का नेशनल फिल्म अवार्ड मिला और उसी गीत के लिए जी सिने अवार्ड भी मिला है। मिर्ची मिर्ची का अवार्ड जैसे अनेक अवार्ड मिले उनके कई गीतों का और जो फिल्मी डायलॉग के लिए उनका कई पुरस्कार के लिए नामांकन हुआ था। आपने ऑल इंडिया रैंकर जैसी फिल्म का निर्देशन भी किया है। मसान, बॉम्बे वेलवेट, उड़ता पंजाब, आरआरआर, संदीप और पिंकी फरार जैसे फिल्मों के स्क्रिप्ट तथा डायलॉग राइटर के रूप में आपने आपका परिचय सभी को दिया है। सभी को मालूम है कि जब भी चुनाव आता है पॉलिटिकल जो परिस्थितियाँ हैं उन पर उन्होंने खास कॉमेडी शो अपने व्यंग में ऐसी डेमोक्रेसी के नाम से उनका शो काफ़ी फेमस रह चुका है। आपने सेक्रेड गेम्स जैसी वेब सीरीज में भी स्क्रिप्ट राइटर के रूप में काम किया है। एक एक्टर डायरेक्टर के साथ साथ आपका जो मुख्य परिचय लोगों का है वो स्टैंड अप कॉमेडी के माध्यम से है और इसके बाद भी एक अलग पहचान आपकी है वो एक कवि के रूप में। आपकी एक कविता बहुत प्रसिद्ध है उसके चंद लाइनें मैं आपके सामने पेश करता हूँ। वो है कि हम कागज नहीं दिखाएंगे, तानाशाह आके जाएंगे हम कागज नहीं दिखाएंगे, तानाशाह आके जाएंगे हम कागज नहीं दिखाएंगे। तुम भेदभाव के चालक हो हम संविधान के बालक है, तुम भेदभाव के चालक हो हम संविधान के बालक है। हम संविधान को बचाएंगे हम कागज नहीं दिखाएंगे, हम जनगण मन भी गाएंगे हम कागज नहीं दिखाएंगे। ऐसा एकदम डायरेक्ट प्रहार करने का अपने कोशिश की है। बोलने के लिए काफी चीजें हैं लेकिन एक वाक्य आपने बड़ा ही लोगों के लिए कहा है जो आज के समय के लिए काफी उचित है कि आपने कहा था कि किसी भी व्यक्ति या कलाकार को अपने पास चाहे माइक हो, कलम हो, ब्रश हो या वाद्य यंत्र हो या विचार हो, अपने हुनर के माध्यम से अशांति का दस्तावेजीकरण करना चाहिए। बहुत अच्छा आपने ये लिखा है और ये आह्वान हम सभी के लिए है। आज हम सभी को यहाँ सभी के बीच में पाकर हमें बहुत हर्ष हो रहा है। आज आप जिज्ञासा में जीवन इस विषय पर आपके विचारों का परिचय हमें देंगे महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की तरफ से। और हमारे बीच हमारे जो साथी जितने भी और हम इस कार्यक्रम में उपस्थित है उन सभी की तरफ से मैं आपका सहर्ष स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। यानंतर राज्य कार्यकारिणी सदस्य मिलिंद देशमुख
यांनी माननीय वरुण ग्रोवर यांचा सत्कार करावा अशी मी त्यांना विनंती करतो. डॉक्टर दाभोळकरांच्या पुस्तकांचा जो हिंदी अनुवाद झालेला आहे त्या हिंदीतली अनुवादाच्या ही पुस्तकं सप्रेम भेट देण्यात आलेली आहेत. यानंतर आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख अतिथी म्हणजे अध्यक्ष माननीय श्रीयुत सतीश आळेकर सर यांची ओळख करून देणार आहेत श्रीयुत अनिल बेल्लाळ सर. नमस्कार. एका मोठ्या म्हणजे आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील नाटककाराची ओळख करून द्यायचे कितपत जमत आहे प्रयत्न करून बघतो. सरांची जी सुरुवात आहे ती झाली शांतता कोर्ट चालू या नाटकापासून. या नाटकाचा त्यांच्या जीवनावरती एवढा परिणाम झाला हा, तर म्हणजे त्यांचं खरं जे नाट्यक्षेत्राकडे वळले आहे ते याच्यामुळे वळले असं म्हणता येईल. त्यांचं नाट्यक्षेत्रातलं जे एकंदरीत कारकीर्द आहे त्याची सुरुवात या नाटकाच्या विचारण झाली असं नक्कीच म्हणता येईल. सरांनी पुढे भालबाग केळकरांच्या प्रोग्रेसिव्ह ड्रॅमॅटिक असोसिएशनमध्ये प्रवेश केला. त्यानंतर खरी त्यांची सुरुवात जी आहे ती झाली घाशीराम कोतवाल या नाटकाच्या सहदिग्दर्शनामुळे. नाटकाचे जे होते दिग्दर्शक ती जब्बार पटेल तर त्यांचे एक सहाध्याय सहदिग्दर्शक म्हणून त्यांनी काम केलं होतं. या नाटकाची जे महती किंवा मोठेपणा आहे सगळ्यांना माहीत आहे की घाशीराम कोतवाल किती गाजलं होतं. तर अशा नाटकाच्या दिग्दर्शनामध्ये सरांचा खूप मोठा वाटा आहे. थिएटर अकॅडमी या नाट्यसंस्थेच्या स्थापनेत त्यांनी पुढाकार घेतलेला होता. याच संस्थेने रंगमंचावर आणलेल्या मिकी माऊस आणि मेमसाब, महापूर, महानिर्वाण, बेगम बर्वे या नाटकांचे ते लेखक होते. 1972 पासून नाट्यलेखन करताना त्यांनी ब्लॅक कॉमेडीचा आणि संगीत नाटकांचा आधार घेतला. त्यांची महापूर, महानिर्वाण ही जी नाटकं आहे ही आंतरराष्ट्रीय स्तरावरची गाजलेली अशी नाटकं म्हणता येईल. मी तर पाहिलं, मी स्वतःला भाग्यण म्हणतो की अशी नाटकं झाली त्या काळामध्ये, आता होतील का नाही सांगता येत नाही. या नाटकांमुळे सरांचं नाव हे आंतरराष्ट्रीय स्तरावरती पोचलं. जागतिक पातळीवरती जी काही नाटकं महत्त्वाची आपल्या नाव घेता येतील त्या नाटकामध्ये या नाटकांचं आवर्जून घ्यावं लागेल. या दोन्ही नाटकांवरती मराठी आणि इंग्रजीमध्ये समक्ष ग्रंथच देखील तयार झालेले आहेत एवढं त्या नाटकामध्ये भरपूर काही सांगितलेलं आहे. आणि यातलं वैशिष्ट्य असं सरांचं की सरांनी नाटकातून व्यवस्थेवरती ताशेरे ओढलेले आहेत हे खूप महत्त्वाचं आहे. एवढं करून सर थांबले नाही तर जे आपण लिहिलेलं आहे ते वास्तव जीवनामध्ये देखील त्यांची भूमिका तशीच होती हे आपण आवर्जून लक्षामध्ये घ्यायला पाहिजे. सरांनी केवळ नाटक लिहिले असं नाही आहे तर अभिनय, संवाद लेखन यातही खूप मोठं काम केलेलं आहे. त्यांचं उंबरठा, कथा दोन गणपतरावांची, सखी माझी, देऊळबंद, राजवाडे अँड सन्स, व्हेंटिलेटर हे तर खूप गाजलं होतं. या सिनेमातून त्यांनी अभिनयसुद्धा केलेला आहे. म्हणजे एक व्यक्ती काय काय करू शकते, नाट्यलेखन, नाट्यदिग्दर्शन, अभिनय हे सगळं सरांमध्ये सामावलेलं होतं. जैत्रे जैत हा जो पिक्चर खूप गाजला होता म्हणजे त्याची जी कथा होती ती अत्यंत वेगळी होती, टिपिकल नव्हती. तर या चित्रपटामध्ये
नंतर देखो मगर प्यार से ही टीव्हीवरची मालिका होती, कथा दोन गणपतरावांची. याचं संवाद लेखन जे आहे ते सरांनी केलेलं आहे. सध्या त्यांचं ठकेशी संवाद हे नाटक चालू आहे. आणि या सगळ्यामध्ये महत्त्वाचं असं की त्यांच्या काही नाटकांचा म्हणजे केवळ भारतातल्या भाषेत असं म्हणता येत नाही, राज्यातलं म्हणता येत नाही, पण गुजराती नंतर डोगरी, तामिळी, बंगाली, राजस्थानी, पंजाबी आणि कोकणी अशा भाषेतून सुद्धा त्यांच्या नाटकांचं रूपांतर झालेलं आहे, भाषांतर झालेलं आहे. नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामा आणि साहित्य अकादमी दिल्ली यांनी सन 2001 प्रकाशित केलेल्या राष्ट्रीय काव्यसंग्रहात त्यांच्या नाटकांचा समावेश हे महत्त्वाचं आहे. म्हणजे केवळ ते महाराष्ट्रात नाही तर आपल्या राष्ट्रीय पत्र देखील त्यांचं दखल घेतली गेली होती. सरांच्या जीवनावरती दुसरे एक रंगकर्मी आपले अतुल पेठे यांनी 90 मिनिटात एक सिनेमा तयार केलेला आहे, तो देखील आपण आवर्जून पाहावा असं मी नक्कीच म्हणेल. आणि यामध्ये महत्त्वाचं असं 1994 सरांना नाटक अकादमी पुरस्काराने सन्मान करणार होतो आणि त्यापुढे जाऊन भारत सरकारने त्यांना पद्मश्री खिताबातून गौरवलं होतं. मला वाटतं आणखीन खूप सांगता येईल, परंतु आता तुम्ही सगळे आतुर आहात की कधी एकदा गौरवजींना ऐकतो. धन्यवाद. आळेकर सर म्हणाले, माही जरा ओळखच जास्त वाढवून सांगितली तुम्ही तर लोक कंटाळले असतील. मला वाटत नाही तसं. आळेकर सरांसारख्या माणसाच्या बद्दल आणखीन जास्तीत जास्त जाणून घ्यायला लोकांना उत्सुकता असतेच, आणि थोडीफार वेल्लाळ सरांनी शमवलेली आहे असं मला वाटतं. तर राष्ट्रीय दृष्टी वैज्ञानिक दृष्टिकोन दिनाबाबत पुढं मला थोडं सांगायचं आहे. ते म्हणजे आर्यभट्टानंतर वराह मिहिर नावाचा शास्त्रज्ञ आपल्या देशात होऊन गेला 500 ते 587 या कालावधीमध्ये. आणि त्यांनी त्या काळामध्ये सांगून ठेवलं होतं की मंगळामध्ये लोह आणि पाणी याचा साठा असला पाहिजे. आणि आपल्याला दिसून येईल की नुकतेच मंगळावर जी नासाची यानं जाऊन आली त्यांनी देखील सिद्ध केलेलं आहे इतक्या वर्षांनी की त्याच्यावर लोह आणि पाणी सापडलेलं आहे. तर असा वराहमिहीर आपल्या देशात असण्याची परंपरा आपल्याकडे होती, परंतु 8व्या शतकापासून मात्र गुरुर्वाक्यम प्रमाणम, ग्रंथ प्रामाण्य या गोष्टी आल्यामुळं आपल्या सगळ्यांच्या डोळ्याला कंपल्सरी झापडं लावली गेली. जातीजातीमध्ये समाज विभागला गेला. विशिष्ट 3% लोकांनीच अभ्यास करावा, 97% लोकांनी अभ्यास करायचा नाही. अशा प्रकारे जे बंधनं आली त्यामुळं आपण मागं पडलो. आणि म्हणून सातत्याने डॉक्टर दाभोळकर आपल्याला शिकून शहाणे व्हा म्हणून वैज्ञानिक दृष्टिकोन आपण अंगीकारला पाहिजे असं सातत्याने सांगायचे. आणि त्याचाच प्रतिसाद म्हणून आजचा दिवस राष्ट्रीय दृष्टिकोन वैज्ञानिक दृष्टिकोन दिन म्हणून साजरा केला जातो. यानंतर मी राज्य कार्यकारिणी सदस्य नंदिनी जाधव यांना विनंती करतो की त्यांनी माननीय सतीश आळेकर सरांचा सत्कार करायचा आहे पुस्तक सप्रेम भेट देऊन. यानंतर प्रमुख अतिथी माननीय श्री वरुण ग्रोवरजी आता या ठिकाणी आपल्याला मार्गदर्शन करतील. वरुणजी, नमस्कार. आवाज़ ठीक आ रही है पीछे तक, क्योंकि यहाँ पे बहुत वो फीडबैक से नहीं पता चल रहा है. नमस्कार नमस्कार. धन्यवाद
दो तीन चीज़ों के लिए मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा, फिर मैं बात शुरू करूँगा। सबसे पहली ये कि मैं अपना व्याख्यान जो है हिंदी और अंग्रेज़ी में दूंगा, मराठी में नहीं दे पाऊँगा। हिंदी मेरी पहली भाषा है, मातृभाषा तो पंजाबी है। अगर आप चाहें तो मैं पंजाबी में दे सकता हूँ, लेकिन थोड़ा पानी यहाँ रखवा दीजिएगा, एक बोतल की जगह एक ग्लास में, नहीं एक ग्लास में छोटा बोतल लुढ़क जाएगी शायद। एक तो ये कि हिंदी और अंग्रेज़ी में रहेगा ये व्याख्यान, तो उसके लिए अग्रिम क्षमा। दूसरा ये कि मैं वैसे तो स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ और मुझे यहाँ बुला लिया गया है वो काम करने के लिए जिसके लिए या तो कोई एक्टिविस्ट हो या कोई पत्रकार हो, लेकिन अब क्या है कि इस समय देश में पत्रकार टीवी पे कॉमेडी कर रहे हैं, तो कॉमेडियन को आके यहाँ पे उनका काम करना पड़ रहा है, तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। तीसरी माफ़ी इस चीज़ की कि मैं स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ, तो मैं कुछ बातें थोड़ी सी तीखी बोल सकता हूँ, तो हो सकता है कि कहीं कहीं अभद्रता हो जाए, आप सोचें कि ये ऐसी बातें पुणे में और कोई नहीं बोलता, तो मैं पहले ही माफ़ी चाहूँगा कि किसी किसी का हो सकता है ऐसा लगे कि अपमान हो रहा है। मैं किसी का अपमान नहीं करना चाहता हूँ, न आपका, ना आपकी आस्था का, न इस देश के जो भी हैं, जितने भी महामानव हैं इस समय हमारे बीच, उनमें से किसी का, तो वो अगर हो जाए तो उसके लिए मैं पहले ही माफ़ी चाहता हूँ। चौथी बात ये कि हाँ, मैं आस्था, धन्यवाद, तो आस्था को लेकर जहाँ भी मैं बात करूँगा वहाँ मैं बीच बीच में आस्था शब्द बोल दूँगा, लेकिन वो अंधश्रद्धा की बात हो रही है, वो उस तरह की एक जो प्रसुप्त श्रद्धा कह लें, उसको प्रसुप्त आस्था कह लें, जिसमें कि कोई बहुत गहरा विचार नहीं है, जो समाज को तोड़ने के लिए इस्तेमाल होती है या लोगों को बांटने के लिए इस्तेमाल होती है, मैं उसकी बात करूँगा। तो दूसरी एक आस्था होती है जिसको कि बहुत सारे महापुरुषों ने इस्तेमाल किया है, जिसको लोगों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया गया है, वो गाडगे महाराज हों, वो संत तुकाराम हों, वो अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति जिस तरह से इस्तेमाल करती है अपनी अपनी चेतना को, अपने विवेक को और आस्था के साथ, आस्था को साथ में रखकर विज्ञान के, तो उसको मैं कहीं भी उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। जहाँ भी मैं आस्था शब्द का इस्तेमाल करूँगा वो एक तरह की अंधश्रद्धा या सुपरस्टिशन की बात हो रही है, क्योंकि आस्थावान मैं भी हूँ, मैं इस चीज़ को लेकर बहुत आस्थावान हूँ कि समय बदलेगा, चीज़ें बदलेंगी, चीज़ें बदल रही हैं, बहुत लोग हैं जो कोशिश कर रहे हैं, उसमें से बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ हैं और बहुत सारे लोग आपके बीच में हैं जो कोशिश कर रहे हैं, और वो कोशिश बदलाव ला रही है, तो आस्था तो हम सब के अंदर है, किस तरह की आस्था है और उसका हम क्या करते हैं उस पर ये पूरा अब आज का व्याख्यान है। तो सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप नरेंद्र बनकर इस दुनिया में आए हैं तो आप दाभोलकर बने, और किसी तरह के बनने से आप वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। दूसरा ये कि आज जैसा कि हम लोग यहाँ पे डॉक्टर दाभोलकर एनुअल मेमोरियल लेक्चर के लिए आज एकत्रित हुए हैं, डॉक्टर दाभोलकर को अपने विचारों के लिए, अपनी सामाजिक चेतना के लिए और रैशनल थिंकिंग और अपनी वैज्ञानिक चेतना के लिए उनकी हत्या की गई। उनकी हत्या करने के लिए जो लोग आए वो बहुत परेशान थे, उनसे वो बहुत व्यथित थे कि कोई इंसान ये कैसे कह सकता है कि विज्ञान अंधश्रद्धा से बड़ा है, जबकि ये कोई बहुत रेडिकल बात नहीं है किसी भी समाज के लिए, ये कोई बहुत ऐसी भयंकर रेवोल्यूशनरी बात नहीं है ये कहना कि विज्ञान आस्था से या प्रसुप्त आस्था से बड़ा है। ये कहना कोई बहुत ऐसी विचित्र बात नहीं है, लेकिन वो बात कहने के लिए कुछ लोग आए और उन्होंने उनकी हत्या की। वो लोग ये मानते थे कि विज्ञान बड़ा नहीं है, आस्था बहुत बड़ी है, विज्ञान उसके सामने कुछ नहीं है, विज्ञान एक तुच्छ सी चीज़ है, आस्था बहुत बड़ी है,
और अपनी बात प्रूव करने के लिए वो एक बंदूक लेकर आए। गन पाउडर 9th century चाइना में वैज्ञानिकों ने बनाया, गन 12th century चाइना में कुछ और वैज्ञानिकों ने बनाई। 300 साल गन पाउडर था, गन नहीं थी, मुझे नहीं पता क्या कर रहे थे वो गन पाउडर का। किसी ने कहा होगा कि ये शब्द है गन पाउडर, इसमें पाउडर तो है हमारे पास, ये गन क्या होता है? तो किसी ने कहा होगा ये बनानी पड़ेगी, फिर उन्होंने बनाई। 12th century में गन बनी, उसका इस्तेमाल शुरू हुआ। 16th century में हिंदुस्तान में मंगोल लोग बंदूक लेकर आए, गोली मारने में और भी बहुत सारा विज्ञान लगता है। प्रोजेक्टाइल मोशन की समझ होनी चाहिए, काइनेटिक्स की समझ होनी चाहिए, थर्मोडायनेमिक्स की समझ होनी चाहिए, माइनिंग इंजीनियरिंग, फाउंड्री, और अल्टीमेटली आपके दिमाग के जो केमिकल हैं उनका एक इम्बैलेंस कोई क्रिएट करता है वैज्ञानिक पद्धति से, जिससे कि आपके अंदर इतना गुस्सा आए कि आप एक अहिंसक, एक वैज्ञानिक महात्मा की हत्या करें। तो वो इतना सारा विज्ञान अपने जेब में, अपने हाथ में, अपने दिमाग में लेकर आए ये बताने के लिए कि विज्ञान कुछ नहीं है। तो ये एक तरह से अपनी जान देकर भी डॉक्टर दाभोलकर ये प्रूव कर गए कि विज्ञान से ऊपर कुछ नहीं है, और उसके लिए मुझे लगता है हमेशा उनकी कही हुई बातें। और एक और चीज़ है, हत्यारे ना कभी ये नहीं समझ पाते हैं, कोई हत्यारा आज तक नहीं समझ पाया है जिसने भी किसी को उसके विचारों के लिए मारा है, वो आज तक नहीं समझ पाए हैं कि गोली से वो विचार नहीं मिटते, बल्कि वो और बोल्ड और अंडरलाइन हो जाते हैं। लोग उनको दोबारा बार बार जाकर पढ़ते हैं, बार बार जाकर सुनते हैं, बार बार उस रास्ते पर चलना चाहते हैं। तो बंदूक जो वो सोचते हैं एक इरेजर है, वो असल में एक परमानेंट मार्कर है, वो जानते नहीं हैं। अब इससे एक बात निकल कर आती है, ये जिस तरह से डॉक्टर दाभोलकर की जिंदगी हमने देखी, जो जीवन उन्होंने बहुत बहुत मेहनत से इस देश को दिया, इस समाज को दिया, और ऐसी बहुत सी कहानियां हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं हमेशा से रहे हैं हमारे बीच। तो एक चीज़ जो है, जो मानव सभ्यता में बहुत समय से है, ये जो क्लैश है फेथ और साइंस का, ये क्लैश कहाँ से आया है, ये क्लैश क्यों आया है, इस पे हम बहुत सारी मैं बातें करूँगा। लेकिन एक जो बेसिक डिफरेंस है, मेरा मानना है, फेथ जो है हमेशा से, और फेथ का जो कॉमर्शियल वर्जन है जिसको कि हम धर्म कहते हैं, वो एक तरह की दुनिया की पहली एमवे स्कीम है, पहली पिरामिड स्कीम, जिसमें आप जितने रिक्रूट लाएंगे आप उतने पावरफुल होंगे, और जो जितना ऊपर होगा वो उतना पावरफुल होता जाएगा, नीचे वाले उतने पावरफुल नहीं होंगे। आपका काम है और रिक्रूट लाना, आपको 4 लोगों को जाके बताना है कि ये बहुत बढ़िया स्कीम है गुरु, इसमें ना बहुत पैसा मिलता है, और तुम कैसे मिलता है, तुम और 4 को पकड़ के लाओगे तो मिलेगा। तो जो फेथ है इसने, ये दुनिया की पहली एमवे स्कीम है। और विज्ञान क्या है? विज्ञान आपके बगल की किराने की दुकान है, वहाँ पे आपको जो चाहिए, जैसा चाहिए आप वो ले सकते हैं, नहीं पसंद आएगा आप छोड़ सकते हैं, आप सवाल पूछ सकते हैं कि यार ये चावल में इस बार पिस्सू दिख रहा है, तो बोलेगा अच्छा ठीक है अगली बार थोड़ा सही लाएंगे। आप कोई सामान लाएँ, आप बोल सकते हैं कि ये अच्छा नहीं था, आप कोई सामान लाएँ बोले कि ये बहुत बढ़िया था अगली बार यही लाना। तो वहाँ पे सवाल पूछने से वो मजबूत होता है वो रिश्ता, और एमवे जैसी स्कीम में सवाल पूछने से वो रिश्ता कमज़ोर होता है। तो ये जो एक बेसिक डिफरेंस है फेथ और इसमें साइंस में, और क्यों फेथ बड़ा हो जाता है हमारी सोसाइटी में खास करके, क्योंकि हमको बचपन से एक ही चीज़ सिखाई गई है, सवाल मत पूछो। ठीक है, बचपन से, एकदम बच्चा जब रहेगा तब से लेकर आपको बताया जाता है जो भी बड़े बोल रहे हैं बड़े हमेशा सही हैं, बड़े आपको थप्पड़ मार रहे हैं तो आपके भले के लिए मार रहे हैं, बड़े आपको बाथरूम में बंद कर रहे हैं तो आपके भले के लिए कर रहे हैं, बड़े आपको कोई चीज़ नहीं दे रहे हैं तो आपके भले के लिए कर रहे हैं,
बड़े बताएंगे आपको कि आपको क्या पढ़ना है कॉलेज में जाकर, बड़े बताएंगे किस दिन आपको पहली बार जीवन में सेक्स करना है अरेंज मैरिज के तहत, किस दिन आपको बच्चा करना है, कब दूसरा बच्चा करना है, कब नसबंदी करा ले, सब बताते हैं। ठीक है, तो ये कन्फॉर्मिज्म हमारे अंदर भरा पड़ा है कि दो बच्चे कर हो गया अब दो के आगे नहीं करना गुरु, है ना, ये सब बताया जाता है। तो कन्फॉर्मिज्म हमारे एक तरह से जीन बदलना बड़ा मुश्किल है, लाखों साल लगते हैं, लेकिन मुझे लगता है हमारे जेनेटिक स्ट्रक्चर ही बदल दिए गए हैं सिर्फ कन्फॉर्मिज्म के नाम पे। तो हम लोग बड़े ही कन्फर्मिस्ट हैं, कन्फॉर्मिस्ट हैं। यहाँ तक कि मैं कॉलेज में था, जब मैं बनारस में था, हम लोग 18 साल की उम्र में वहाँ पहुँच गए थे कॉलेज, और 22 साल की उम्र तक रहे, 4 साल हमने वहाँ पढ़ाई की। कॉलेज में थर्ड ईयर तक जाके कुछ जो दोस्त बने, हम लोग फिल्में देखने जाते थे, एक हमारा दोस्त था हमारे साथ, वो हर बार वो फिल्म देखने जब जाते थे हम लोग, तो वो रास्ते में रुक के पीसीओ पे फ़ोन करता था। हम बोलते थे कि बाद में कर लेना फ़ोन, नहीं हमको घर पे बात करनी है हमको। तो एक दिन हमको लगा कि हमेशा फिल्म से पहले क्यों बात करता है, तो वो हमने जाके सुना, हमने पीसीओ में जाके नज़दीक जाके सुना, तो पता चला वो अपने पिताजी को बताता था कि मैं ये फिल्म देखने जा रहा हूँ, चला जाऊँ क्या। 20 साल की उम्र में वो लड़का बनारस से कानपुर फ़ोन करता था, उसके पिताजी पता नहीं क्या कर, अखबार पलट के रिव्यू देखते होंगे, बताते होंगे कि अच्छा ठीक है ये देख। कई बार हुआ है ऐसा कि वो हमारे साथ जाते जाते पलट गया रास्ते से, नहीं अच्छा मुझे एक और काम याद आ गया या मेरा पेट खराब, कुछ भी वो बोल के निकल जाता था। ये 20 साल की उम्र का एक लड़का है जो कि एक अलग शहर में रह रहा है, और वो पूछता था अपने पिताजी से। अभी मैं कुछ दिन पहले मैं मुंबई में एक इंसान से मिला, वो 50 साल के हैं, डॉक्टर हैं, और उनके उनके पास कुछ पुराने कैसेट थे, तो मैं पुराने कैसेट आजकल मिलते नहीं हैं, कोई सुनता भी नहीं है ज़्यादा ऑडियो कैसेट, मैं उनके पास, किसी ने बताया कि उनके पास रखे हुए हैं पुराने कैसेट जो वो अब इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं, वो फेंक देंगे शायद, तो मैं पहुँच गया उनके पास लेने के लिए। तो उन्होंने, मैंने देख लिया, 1.5-2 घंटे लगा के मैंने वो कैसेट देखे, सिलेक्ट कर लिए। मैंने कहा आप बता दीजिए आप जो भी आप कुछ इसका दाम लेना चाहें। तो बोले मैं अपने पिताजी से पूछ के बताऊंगा। मैं फिर वापस आ गया, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उनके पिताजी किसी अनजान आदमी को वो कैसेट देने के लिए अलाउ करेंगे। जिस तरह के अगर उसके पिताजी से उसको पूछना पड़ रहा है, तो सच में कोई बहुत ही घातक पिताजी होंगे। तो ये 50 साल की उम्र में भी कन्फॉर्मिज्म, एक डॉक्टर है जो दुनिया भर पढ़ के आया है, विदेश में पढ़ के आए हैं, और क्लिनिक है और न जाने क्या क्या, लेकिन उनको अभी भी अपने पिताजी से ये पूछना पड़ रहा है कि जो कचरे का सामान है वो मैं किसी को दे सकता हूँ कि नहीं। तो ये जो है ना, ये जो कन्फॉर्मिज्म का जो हमारे अंदर कीड़ा या इंजेक्शन दे दिया गया है, उससे भी रैशनल थिंकिंग थोड़ी कम हो जाती है। अभी व्याख्यान अभी शुरू नहीं हुआ, अभी तक मैं एक भूमिका आपको दे रहा था, तो शुरू होने से पहले मैं और कुछ दो और डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। एक तो ये कि ये जो सब्जेक्ट है, ये टॉपिक है, ये बहुत विस्तृत है, इस पे बहुत सारी बातें हो सकती हैं, इसमें बहुत तरह तरह से आप इसको एंथ्रोपोलॉजी की दिशा से भी अप्रोच कर सकते हैं, आप इसको बायोलॉजी की दिशा से भी अप्रोच कर सकते हैं, आप इसको सोशोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस और विज्ञान तो है ही, तो कई दिशाओं से आप इस तक पहुंच सकते हैं। ये जो कोर कॉन्फ्लिक्ट है फेथ वर्सेस साइंस का, तो इसलिए ये थोड़ा सा बिखरा हुआ लेक्चर होगा। जो बातें मैं करूंगा वो थोड़ी कुछ चीज़ें जुड़ेंगी, कुछ चीज़ें नहीं जुड़ेंगी। तो जो नहीं जुड़ेंगी वो आप अपना ईमेल आईडी देंगे तो मैं आपको बाद में जोड़ के भेज दूंगा कि ये कनेक्टर मिस हो गया मेरा, तो मैं बता दूंगा बाद में। और दूसरा ये कि ये जब मुक्ता जी ने मुझे अप्रोच किया कि ये आप यहाँ बात कीजिए आकर, तो मुझे पता चला कि जावेद अख्तर साहब यहाँ बात कर चुके हैं, तो जावेद अख्तर साहब का मैंने जो लेक्चर यहाँ था वो मैंने देखा वीडियो पे। कितने लोगों ने वो देखा है जावेद साहब का, और आप लोग लाइव देखा था आपने कि वीडियो पे देखा है? लाइव देखा था तब तो बहुत पूरा आप भूल गए होंगे, तो मैं उसमें से कुछ कुछ चीज़ें चुरा कर वापस डालने वाला हूँ। मैं बस ये बता रहा था कि उसमें से बहुत सारी बातें हैं जो मुझे इतनी प्रभावित की कि मुझे लगा कि वो चीज़ें मैं कहीं कहीं हो सकता है जाने अनजाने वो आएंगी। एक दो चीज़ें तो जानकर ही आएंगी, एक दो चीज़ें ऐसी होंगी जो कहीं किसी विचार से जुड़ जाएंगी तो मैं बता दूंगा।
तो जावेद साहब ने जो बात की थी वो बहुत ही कमाल थी, और उससे मुझे, उससे पहले तक मैं नहीं समझ पा रहा था कि मुझे यहाँ बुलाया गया है, मैं क्या बोलूँगा। और धन्यवाद मुक्ता जी का भी कि मुझे यहाँ बुलाया, और अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का भी कि मुझे यहाँ बुलाया गया। लेकिन जावेद साहब का जो लेक्चर था वो देखने के बाद मुझे समझ आया कि हाँ, इस पे इस तरह से एक कलाकार भी इस मुद्दे पर बात कर सकता है। तो ये जो अब व्याख्यान है ये तीन हिस्सों में है। पहला हिस्सा है मेरी अपनी जर्नी, मेरा अपना सफ़र बचपन का, कहाँ से ये जो जिज्ञासा में जीवन है, तो जिज्ञासा मेरे जीवन में कहाँ से आई, कहाँ से शुरू होकर मैं यहाँ पहुँचा जहाँ पर मेरे अंदर ये सवाल आए, ये जिज्ञासा आई कि आस्था है क्या और विज्ञान है क्या। तो पहला हिस्सा वो है जहाँ पे मैं अपनी एक पर्सनल जर्नी की बात करूँगा। दूसरा हिस्सा है कि ये जो आस्था और विज्ञान का जो एक क्लैश है, ये क्या सिर्फ क्लैश है कि ऐसा भी है कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं कहीं, और किस तरह से पूरक हैं, किस तरह से साथ चल सकते हैं। तीसरा हिस्सा जो है वो जो आखिरी हिस्सा है इस व्याख्यान का, वो ये है कि एक आर्टिस्ट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए समाज में, एक कलाकार किस तरह से इस समाज में रैशनल थिंकिंग का सपोर्ट कर सकता है, उसको बढ़ावा दे सकता है, उसको पहुंचा सकता है लोगों तक अपनी कला के जरिए। तो ये तीसरा हिस्सा होगा। तो पहला हिस्सा जो है बचपन, तो ज़्यादातर भारतीयों की तरह मेरा जन्म भी एक साधारण बिलीवर फैमिली जिसको कह सकते हैं, जिसमें कि भगवान की प्रतिमाएं होती हैं, जब भी कोई बच्चा कुछ गलत करता है तो भगवान की कसम दिलाई जाती है, और भगवान एक बहुत ही प्रकट कॉन्सेप्ट होते हैं हमारे आसपास। आपको लगता है कि भगवान हैं, आप मंदिर में जाते हैं तो आपके अंदर एक भावना आती है जो आपको बचपन से एक तरह से प्रोग्राम की गई है। कुछ चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि हाँ, यहाँ पे आकर आपको पवित्र महसूस हो रहा है, या यहाँ आकर आपको शांति महसूस हो रही है। बचपन से जो हर भारतीय घर में ज़्यादातर जगहों पर ये एक तरह का एक माहौल दिया जाता है जहाँ पे आपको आस्था आपका आपके लिए बहुत नेचुरल सी चीज़ होती है, फेथ एक बहुत नेचुरल चीज़ होती है। भगवान की उपस्थिति आपके जीवन में हर तरफ होती है। आप कुछ बुरा काम करते हैं तो आपको डराया जाता है कि भगवान देख रहे हैं, तो आप ऐसा ना करें। आप कोई अच्छा काम करते हैं तो भगवान की तरफ से आपको तारीफ आपके माता पिता देते हैं या टीचर देते हैं कि ये भगवान की तरफ से ये शाबाशी है। तो ये हमेशा से हमारे घर में भी रहा, और साथ ही साथ क्योंकि मुझे कहानियों का बड़ा शौक था तो माइथोलॉजी पढ़ना, हमारी जो धार्मिक कथाएं हैं, माइथोलॉजिकल टेल्स हैं, वो पढ़ना, उसमें एक तरह का आनंद आता था, उसमें एक तरह के चित्र बनते थे दिमाग में कि हाँ, इस तरह के भगवान होते हैं। और 6-7 साल तक माइथोलॉजी पढ़ते पढ़ते वो चंदा मामा या इस तरह की जो पत्रिकाएं आती थी जिनमें चित्र बने होते थे, भगवान का मैंने असली फोटो कभी नहीं देखा था। जो फोटो होते हैं जो मेरे रिश्तेदारों के थे, ऐसे ऐसे रिश्तेदारों के थे जो अब नहीं थे उस दुनिया में, लेकिन उनके फोटो थे, तो मुझे नहीं पता था भगवान दिखते कैसे हैं। और मैं बहुत बच्चा था, एक दिन किसी ने मुझे गांधी जी का चित्र दिखाया और कहा कि ये भगवान है। मैंने मान लिया, मुझे लगा हाँ ठीक है, ये मेरे इमेजिनेशन में जैसे भगवान थे जो चंदा मामा में दिखाए गए थे वैसे तो नहीं है, लेकिन हो सकता है ये भगवान हो। और फिर किसी ने ये भी बताया कि ये सतयुग में रहते थे, तो ये जब थे तब भारत में सतयुग था। तो फिर मुझे थोड़े साल बाद पता चला कि अच्छा, सिर्फ 40 साल पहले सतयुग था। बहुत मैंने मिस कर दिया यार, 40 साल से सतयुग मिस हो गया है, कितना बड़ा बैड लक है। लेकिन मैंने माना कि ये गांधी जी भगवान है उस समय तक, क्योंकि हर अच्छा भाव आप भगवान के साथ जोड़ते हैं तो गांधी जी के साथ लोगों ने वो जोड़ा हुआ था, तो मेरे लिए वो भगवान हो गए। फिर एक बार कहीं हम जा रहे थे, कर्फ्यू लगा हुआ था शहर में, हम स्टेशन पहुंचे हरियाणा में एक शहर, और कर्फ्यू लगा था तो हम स्टेशन से फिर हम पैदल ही जा रहे थे मेरे मामा मामी के घर, और रास्ते में कहीं पुलिस ने बैरिकेड लगाए थे, पुलिस ने कहा कि आप अंदर हो जाइए, आप रोड पे मत दिखिए। तो किसी अजनबी घर में हमने शरण ली। उस घर में एक बहुत बड़ा एक पोर्ट्रेट लगा था ओशो का, और उसके ऊपर लिखा था रजनीश और नीचे लिखा था भगवान। तो मुझे लगा अच्छा, ये हैं भगवान, ये तो फोटो है और ये लग भी रहे हैं, जैसा मेरा
जो इमेजिनेशन था, तो फिर मैंने माना कि अच्छा ये भी एक भगवान है। मैंने दो तो देख लिए, एक गांधी जी और एक ये, दोनों काफ़ी अलग अलग दुनिया के लग रहे हैं लेकिन हैं दोनों भगवान। तो यहाँ तक फेथ था, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि फेथ इतना गहरा था कि जो भगवान नहीं हैं वो भी भगवान लगने शुरू हो गए थे, क्योंकि दिमाग में एक इमेज थी कि भगवान हैं, और हैं मतलब हमारे बीच में हैं, और हमारे बीच में इतना है कि उनकी तस्वीर होनी चाहिए कहीं ना कहीं। फिर ये टूटा कैसे? धीरे धीरे। सबसे पहले जब किताबें पढ़ने का शौक था तो फिर माइथोलॉजिकल के अलावा और किताबें पढ़नी शुरू हुई। सबसे पहले एक बच्चे का दिमाग जाता है मिस्ट्री में, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में। तो बरमूडा ट्रायंगल के बारे में हमने पढ़ा, बरमूडा ट्रायंगल जब पढ़ा कि उसमें वहाँ प्लेन गायब हो जाते हैं, फिर पढ़ा हमने पिरामिड हैं, एलियन ने बनाए हैं, फिर हमने पढ़ा कि वो मम्मी का रहस्य होता है, जो पिरामिड के अंदर जो मम्मी है वो किसी को वो शापित कर देती है, या इस तरह की चीज़ें थी, ये बड़ी मिस्टीरियस थी। तो वहाँ से समझ आया कि एक और दुनिया है जो भगवान के बाहर की है। हाँ, उस दुनिया में एलियन है लेकिन वो भगवान नहीं है, वो एलियन है, वो हमारे जैसे हैं, दूसरे प्लैनेट के मध्यवर्गीय एलियन होंगे। तो वो अपने अलग तरह से वो भी दुनिया को प्रभावित कर रहे हैं। तो एक और जीव है जो इंसान नहीं है और भगवान भी नहीं है, एक और जीव है दुनिया में। तो वहाँ से एलियन के बारे में पता चला। फिर और करते करते पढ़ना शुरू किया तो पता चला कि दुनिया में बहुत सारी मिस्ट्रीज हैं जो विज्ञान ने सॉल्व की हैं। धीरे धीरे पता चला कि अच्छा, पिरामिड भी उतनी बड़ी मिस्ट्री नहीं है जितनी हमको बताई गई थी। उसके लिए तरीके, लोगों ने थ्योरीज तो बनाई हैं कम से कम कि कैसे वो बने, कहाँ वो नदी के बहाव के साथ वो बड़े बड़े पत्थर लाते थे और फिर उन पत्थरों को वहाँ तराशते थे, फिर उनको चढ़ाते थे एक रैंप बनाकर, ये सब थ्योरीज आने लगी। तो समझ आया कि अच्छा, मिस्ट्री भी है, कहानी भी है, लेकिन इस मिस्ट्री में, अपने जो हमारी जो माइथोलॉजिकल कहानियाँ थी उनमें भी बड़ी मिस्ट्री थी लेकिन उनको सॉल्व कर लिया गया था, ये मिस्ट्रीज थी जो हमारे बीच में घटित हो रही थी, ये वो मिस्ट्रीज थी जिसमें हम हिस्सा ले सकते थे, ये वो रहस्य थे जिसमें हमको भागीदार बनाया गया था, हमको वो रहस्य खुद सॉल्व करने थे। तो वहाँ से एक दिमाग चलना शुरू हुआ कि ये बड़ी मज़ेदार चीज़ है। फिर 21 सितंबर 1995 को एक घटना हुई हिंदुस्तान में, पूरे देश में खबर फैली कि गणेश जी की जो प्रतिमा है वो दूध पी रही है। तो चमत्कार, भगवान ने अपने आप को प्रकट किया है, भगवान बता रहे हैं कि हम हैं और पूरा देश मान रहा है। तो मैं चला गया, मैं उस समय 15 साल का था और मेरे साथ एक दोस्त गया, हम दोनों बड़े, बहुत बहुत भीड़ थी, हर मंदिर में भीड़ थी, बड़ा धक्का मुक्की करके एक मंदिर में हम आगे पहुँचे और मैंने दूध पिलाने की कोशिश की और नहीं पिया भगवान ने। तो मेरे दोस्त ने कहा कि तेरा मन साफ नहीं है। तो मैंने कहा कि तू पिला के देख, उसने पिलाया, उसका भी नहीं पिया। मैंने कहा तेरा भी मन साफ नहीं? उसने कहा नहीं नहीं मेरे दूध में यूरिया है। तो मैंने कहा कि भाई देखो, ऐसा है, तुमको अगर ये पता है कि दूध में यूरिया हो सकता है तो तुमको ये भी पता होना चाहिए कि कैपिलरी एक्शन नाम की एक चीज़ होती है। आधा विज्ञान पता है, वो वाला विज्ञान पता है जिससे कि तुम्हारी आस्था स्ट्रांग होती है, वो वाला विज्ञान तुम नहीं मान रहे हो जिससे कि सच उजागर होता है। और जैसा कि होना था, शाम को उस समय का टीवी दूरदर्शन इतना कम से कम लिबरल था, इतना आज़ाद था कि रात को दूरदर्शन पे 4 वैज्ञानिक बैठे हुए थे रात की 9 बजे की समाचार में, और वो बता रहे थे कि कैपिलरी एक्शन और सरफेस टेंशन और किस किस तरह का विज्ञान इसके पीछे है, जिसमें कि ये चमत्कार जैसा जो लगता है वो चमत्कार नहीं है, वो सीधा साधा बड़ा ही 10वीं कक्षा का विज्ञान है असल में। तो उस समय दूरदर्शन ये करता था। आज अगर ये हो जाए तो आप सोचिए, आज के चैनल कुछ 6 दिन तक यही कर, चैनल आप, मैं इमेजिन कर सकता हूं उनकी ग्रीन स्क्रीन दूध से उबल रही होगी, कोई एंकर होगा जो उसमें गोते लगाते हुए अपना माइक पकड़ के बता रहा होगा कि देखिए कितना बड़ा चमत्कार हुआ है, अब हम कह रहे थे अमृतकाल आ गया, देखिए आ गया, है ना। तो आज वो हो रहा है। तो उससे हमको एक और सवाल हमारे दिमाग में आता है कि हम आगे जा रहे हैं कि पीछे जा रहे हैं हम, और पीछे जा रहे हैं तो कितना पीछे जा रहे हैं।
लेकिन यहाँ से मेरे अंदर एक सवाल आया कि विज्ञान जो है वो बहुत सारी गुत्थियाँ सुलझा सकता है, और विज्ञान में एक चमत्कार भी है, लेकिन साथ ही साथ उस चमत्कार के पीछे बहुत ही सुलझा हुआ एक रैशनल थिंकिंग है। सवाल बहुत दूर तक ले जाते हैं। एक साधारण सा सवाल अगर बच्चा आपसे पूछ ले कि सर्दियों में धूप अच्छी क्यों लगती है, बहुत साधारण सा सवाल है, वही धूप गर्मियों में अच्छी नहीं लगती, सर्दियों में क्यों अच्छी लगती है? क्योंकि पृथ्वी जो है वो घूम रही है सूरज के आसपास। पृथ्वी क्यों घूम रही है? क्योंकि दो तरह के फोर्सेस हैं, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, एक नज़दीक ला रहा है एक दूर फेंक रहा है, इन दोनों का बैलेंस बन रहा है जिसके हिसाब से पृथ्वी का एक पाथ बन रहा है सूर्य के अराउंड। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? किन्हीं भी दो मासेस के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। मास क्या होता है? मास वो होता है जो कि एक समय पर जब बिग बैंग हुआ, बिग बैंग भी अब थोड़ी पुरानी थ्योरी होगी, उसके बाद थोड़ी सी इवॉल्व थ्योरी आ गई है, बिग बैंग हमको स्कूल में पढ़ाई गई थी, लेकिन उससे एक और इवॉल्व, मतलब बिग बैंग में सिर्फ एक प्लेस होल्डर की तरह बोल रहा हूँ, लेकिन एक धमाका हुआ जिससे कि सारी एनर्जी मोमेंटम में बदल गई, और मोमेंटम मास होता है। ये पूरा का एक सिंपल सा सवाल कि सर्दियों में धूप अच्छी क्यों लगती है, इससे आप इस यूनिवर्स के ओरिजिन तक जा सकते हैं सिर्फ चार स्टेप्स में। तो ये विज्ञान मुझे बहुत पसंद आने लगा, फिर धीरे धीरे मैं उस तरफ पढ़ा। ऐसा नहीं कि आस्था का हाथ पूरा पूरा छूट गया, लेकिन वो ज़्यादा आकर्षक लगने लगा। और उसके बाद फिर बहुत सारी चीज़ें, हमारे बचपन में बड़ी अच्छी अच्छी किताबें थी जो अब बहुत कम रह गई हैं, पराग, बालहंस, नन्हे सम्राट, इन सब में एक तरह की वैज्ञानिक चेतना, एक रैशनल थिंकिंग बच्चों को दी जाती थी दुनिया भर के रहस्यों के बारे में, और उन रहस्यों को किसी चमत्कार या किसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से ना जोड़कर सचमुच के विज्ञान से जोड़ा जाता था, जिसका बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है मुझे लगता है मेरे जीवन में टू बिल्ड दिस रैशनल थिंकिंग। अब आगे बढ़ें, दूसरा हिस्सा, फेथ वर्सेस साइंस। कहाँ से शुरू होती है ये कहानी? ये फेथ वर्सेस साइंस है कि फेथ विद साइंस है? ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? शुरू होती है, यहाँ पे मैं जावेद साहब का एक हिस्सा जो है वो मैं उधार ले रहा हूँ, शुरू हुई बात कुछ लाख साल पहले जब हम नहीं थे, जब मानव स्पीशीज नहीं थी। चिंपैंजी थे हमारे नियरेस्ट जो भी एंसेस्टर हैं, चिंपैंजी, गोरिल्ला, बेसिकली ये जो सिमियन शायद उनको कहा जाता है, सिमियन स्पीशीज। जीन कॉपी में एक एरर हुआ, जीन ट्रांसफर होते हैं पेरेंट से चाइल्ड में, जीन कॉपी होती है, जीन में सारी इंफॉर्मेशन होती है वो कॉपी होती है, कॉपी में एरर हुआ। हम लोग, सबसे पहली बात, हम लोग नहीं होने चाहिए थे, प्रकृति की एक त्रुटि है, हम एक गलती है, हो गए। उसके बाद वो त्रुटि आगे बढ़ी, वो त्रुटि ने हमको, उस त्रुटि ने, क्योंकि जीन कॉपी एरर हुआ, हम अलग हो गए। अलग किस तरह से हुए? हमारे हाथ थोड़े अलग हो गए, हमारी ग्रिप बन गई, हमारा ब्रेन जो है वो बड़ा हो गया हमारे बाकी शरीर के मुकाबले। सबसे बड़ा ब्रेन बॉडी वेट के हिसाब से इंसानों का है, सबसे ज़्यादा रिच ब्रेन है, सबसे ज़्यादा कनेक्शंस हैं उसमें। ये सब जीन कॉपी एरर की वजह से हुआ। उसके बाद हम धीरे धीरे, हमने एक सोसाइटी बनाई, समाज बनाया, हमने सीखा, जानवरों से सीखा, हमने भेड़ियों से सीखा कि ग्रुप में रहने से ताकत बढ़ती है, सर्वाइवल बढ़ता है। हमने पेड़ों से सीखा कि किस तरह से आप अगर सामंजस्य बनाकर रखेंगे प्रकृति से तो कैसे आपका विकास ज़्यादा होगा। हमने जिस जानवर से जो सीख सकते थे हमने वो सीखा, और करते करते हम वहाँ पहुँचे जहाँ पे हम एक कम्युनिटी बना के रहने लगे। हमने ये सीखा कि फसल उगाई जा सकती है, जानवरों को मारने की हमेशा ज़रूरत नहीं, हमेशा इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं, एक जगह आप रह सकते हैं। हमने ट्रायल एंड एरर से गेहूं, और गेहूं का जो एंसेस्टर था जो पहला, वो उगाना शुरू किया।
जिससे कि हमको समझ आया कि एक जगह रहकर आप समाज या सोसाइटी या अपना जीवन चला सकते हैं। उसके बाद हमने नेचर को ऑब्जर्व शुरू करना शुरू किया, जो सब जानवर करते थे, लेकिन किसी जानवर के अंदर वो सवाल नहीं आता था कि ये बिजली क्यों चमक रही है, किसी के अंदर ये सवाल नहीं आता था कि हम मरते क्यों हैं, मरने का दुख आता था, शोक, क्षोभ, गुस्सा बहुत सारे जानवरों को आता है। बहुत सारे जानवर हैं जिनमें डेथ रिचुअल हैं, कौओं तक हैं, कौओं में हैं और सिमियन पूरी रेस में हैं, बहुत सारे जानवरों में हैं जिनको दुख होता है जब उनका कोई साथी मर जाता है, लेकिन उनके अंदर सवाल आता है क्या कि जीवन क्या है और मृत्यु क्या है और ये कहाँ से आती है। ये सवाल हमारे अंदर आए क्योंकि हमारा ब्रेन बड़ा हो चुका था, हमारे ब्रेन के अंदर कनेक्शंस थे जो चीज़ों को बहुत जल्दी सीख लेते थे, पास डाउन कर देते थे इन्फॉर्मेशन। हमारी इन्फॉर्मेशन जो बाकी जानवरों की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सिर्फ एक जनरेशन ट्रांसफ़र होती है, कई जनरेशन होती है, लेकिन वो बहुत ही बेसिक ट्रेंड्स होते हैं। जो पिछली जनरेशन में सीखा है वो हम आगे पास करने लगे, उसमें बहुत सारे कॉन्शियस सवाल थे, वो सवाल हमको परेशान करने लगे। उन सवालों से हमने सबसे पहली आस्था जोड़ी। हमारे पास सवाल बहुत थे, जवाब नहीं थे। जवाब जब नहीं थे तो दो तरह के लोग आए, एक वो जो उन सवालों का जवाब ढूंढने लगे, एक वो जो उन सवालों का जवाब ढूंढने का नाटक, थोड़ा सा भारी शब्द है, अब क्या ज़रूरत थी उनकी वो नहीं कहा जा सकता, नाटक में ऐसा लगता है कि हाँ वो बहुत ही चालू थे, ज़रूरी नहीं है वैसे होंगे, लेकिन ज़रूर उन्होंने जवाब देने शुरू किए। उन्होंने कहा कि वो कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरी दुनिया से और उनको पता है कि ये क्या है, उनको पता है कि ये सब अलग अलग तरह के भगवान हैं और ये भगवान कभी हमको सजा देते हैं, ये भगवान कभी हमको इनाम देते हैं। तो आस्था ने समाज को जोड़ा, क्योंकि समाज को उस समय जब आपके पास बहुत सारे सवाल हों तो आपको कोई भी जवाब अच्छा लगता है, कम से कम वो डेफिनेटिव जवाब हो, कोई हो जो आपको बता दे कि ये सही है और ये गलत है। आपको उसके आगे नहीं सोचना है, आपके पास और बहुत सारी चीज़ें हैं सोचने के लिए, आपको गेहूँ उगानी है, आपको शेर से बचना है, आपको देखना है कि आपका जो बच्चा है जो कुपोषण से कहीं उसको कुछ हो ना जाए, तो इस तरह के बहुत सारे सवाल थे। उन सब के बीच में इसलिए हमेशा से, बहुत सालों से, जब से भी ये हम पुरानी सिविलाइजेशन जितनी भी हम जानते हैं आज से 5000 साल पहले की भी, उनमें भी शामन या प्रीस्ट या पुजारी का दर्जा बहुत ऊपर है। आप इजिप्ट में जाकर देखें तो सबसे ऊंचा दर्जा राजा के बाद उन्हीं का होता था, क्योंकि वो कम्युनिकेट करते थे या वो कहते थे कि वो कम्युनिकेट करते हैं। उन्होंने जवाब देने शुरू किए, साथ ही साथ उन्होंने ही करीब करीब शायद पिछले 400 साल पहले तक चर्च, टेंपल, मॉस्क सब जगह से साथ में साइंटिफिक रिसर्च को फंड किया जाता था। हर सिविलाइजेशन ने किया है, आप आर्यभट्ट देख लें, आप अल ख्वारिज्मी देख लें जिन्होंने अलजेब्रा बनाया, आप माइकल एंजेलो देख लें जिनका एक तरह का सिस्टीन चैपल जो है, या लियोनार्डो डा विंची देख लें, या गैलीलियो या कोपरनिकस, ये सब अपने अपने धर्म के संस्थानों के साथ जुड़े थे, उन धार्मिक संस्थानों ने इनको फंड किया। तो एक समय था जब आस्था के पास जवाब थे, लेकिन उनको भी शायद पता था कि इससे बेहतर जवाब हो सकते हैं या हमारे जवाबों को सपोर्ट करने के लिए ये इंसान आ सकते हैं। जैसे कि एक समय पर ये माना गया कि पृथ्वी जो है वो फ्लैट है, वो गोल नहीं है, और उसको खोजने के लिए या उसको प्रूव करने के लिए लोग निकले, कुछ लोग प्रूव करने के लिए निकले, कुछ लोग डिसप्रूव करने के लिए निकले, एक का ही सच हो सकता था, और जो प्रूव करने के लिए निकले कि पृथ्वी सच में गोलाकार नहीं है और एक फ्लैट है और ये एक जगह जाकर आप गिर जाएंगे, तो वो लोग घर से एकदम ऐसा गले वले मिल के निकले कि हम तो वापस नहीं आएंगे, हम गिर जाएंगे लेकिन हम एक खोज करके गिरेंगे, तो हमारे नाम पे जो भी होगा, पृथ्वी का नाम है ना, अगर मेरा नाम जो भी एक कोलंबस है तो पृथ्वी का नाम कोलंबस फ्लैट अर्थ रख देना अगर मैं गिर गया तो इस तरह के सपने लेकर वो चले थे। लेकिन धीरे धीरे विज्ञान साथ में, विज्ञान जो कि एक बालक था जिसको कि फेथ ने बड़ा किया, विज्ञान कंधे से कंधा मिलाकर चलने लगा, विज्ञान से क्लैश होने लगे। एक टाइम पे फेथ ने उनको बोला कि अब तुम अपनी हद से बाहर जा रहे हो, तुमको सिखाना पड़ेगा। बहुत लोगों ने फिर वापस अपने शब्द वापस लिए या अड़े या लड़े रहे, और फिर कईयों को बहुत तरह तरह की चीज़ें झेलनी पड़ी, बहुतों को मृत्युदंड दिया गया। पर
चीज़ें बदली पिछले 300-400 साल में, पिछले 300-400 साल में कुछ चीज़ें हुई जिसके लिए आस्था तैयार नहीं थी। एंटीबायोटिक्स, सर्जरी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और उसके अलावा जो भी आज हम जिसको मानते हैं कि कम्युनिकेशन की दुनिया या एयरप्लेन या यातायात के साधन जो बढ़े, इन सब चीज़ों ने अचानक से विज्ञान को बहुत बड़ा बना दिया। तो इस समय जो आप क्लैश देख रहे हैं, जो पूरी दुनिया में चल रही है, सिर्फ हमारे देश में नहीं चल रही है, बहुत बड़ी क्लैश है इस समय, जो जिसको लोग बोलते हैं क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन बहुत लोग बोल रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये क्लैश ऑफ टू बेसिक बिलीफ्स है जो दोनों हमारे अंदर हैं। और वो दोनों कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ आप बाहर नहीं चल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि एक संस्थान दूसरे संस्थान से लड़ रहा है, हमारे अंदर हम लोग हर रोज लड़ रहे हैं। और ये क्लैश हमारी उन दो चीज़ों का है, उन दो चेतनाओं का है जिससे हम बने हैं, जिससे हम आज से 30,000 साल पहले या 50,000 साल पहले जो नियंडरथल पहला होमो सेपियन बना, उसकी जो शुरुआत थी और उसके अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट था वो अब जाकर खुलकर सामने आया है। अब तक वो कॉन्फ्लिक्ट बड़ा शांत था, अब तक क्योंकि हम लोग बहुत सारी और चीज़ों में उलझे हुए थे, अब जाकर हमारे अंदर विज्ञान ने और आस्था ने, दोनों ने खुलकर यह आवाज़ अंदर से लगानी शुरू की है कि मैं हूँ इंसान, तुम नहीं हो, दूसरे वाले को कहना, तो वहाँ पे आकर हम अटके हैं। और इसके साथ ही अब जो दो तीन चीज़ें जो जावेद साहब ने, यहाँ मेरा जो पर्सनल व्यू है आस्था को लेकर, खास करके ऑर्गेनाइज्ड आस्था या ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन जिसको कहते हैं, इसमें बहुत सारे पैराडॉक्स हैं। एक है सबसे पहला जो जावेद साहब ने बात की थी, हायर एनर्जी। कुछ लोग हैं जो बोलते हैं कि मैं तो भगवान में नहीं मानता लेकिन मैं एनर्जी को मानता हूँ, है ना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे वैज्ञानिक, डॉक्टर, खास करके जो थोड़े पढ़े लिखे होते हैं, जिनको ये कहने में शर्म आती है कि मैं भगवान को मानता हूँ, वो उन्होंने एक यूफेमिज्म निकाला है, वो कहते हैं कि मैं तो हायर एनर्जी को मानता हूँ। कोई तो है, कोई ताकत है जो दुनिया चला रही है, जिसने दुनिया बनाई है। तो मेरे पास कुछ सवाल हैं, हायर एनर्जी कितनी हायर है, ये किस किस चीज़ को कंट्रोल कर रही है, क्या ये पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रही है, क्या ये जितने भी क्राइम हो रहे हैं, जितनी भी बुरी चीज़ें हो रही हैं, क्या ये भी उसके ऑर्डर से हो रही हैं, या वो उसने छोड़ दिया है, सिर्फ जो अच्छे काम हैं दुनिया में वो हायर एनर्जी से हो रहे हैं। तो एक ही इंसान अगर दिन में, मान लीजिए एक गरीब की रोटी छीनता है और शाम को वो वही रोटी किसी दूसरे गरीब को दे देता है, तो हायर एनर्जी ने इसमें से कौन सा काम करवाया है, सिर्फ दूसरा वाला, और पहला वाला काम उससे किसने करवाया है। अगर वो पहला वाला काम या तो उसने खुद किया है या हायर एनर्जी का एक नेगेटिव पोर्शन है उसने करवाया है, तो हायर एनर्जी पहली बात तो दो हो गई, तो उतनी हाई नहीं है, इतना उसका कंट्रोल नहीं है। अगर आप कहें कि ठीक है दो भी मैं मान लेता हूँ, अब जो तीसरा काम है, मान लीजिए वो आदमी दोनों में से ना अच्छा कर रहा ना बुरा, वो सो रहा है, उस पर कौन सी एनर्जी, फिर कोई लेजी हायर एनर्जी है जो बोल रही है कि मैं तुम्हारा सोना कंट्रोल करती हूँ, अच्छा वाला वो करवा रहा है, बुरा वाला वो तीसरा करवा रहा है, फिर इस तरह से फिर तो 50-100 हायर एनर्जी हो जाएंगी। तो ये हायर एनर्जी है कि ये, मतलब ये कैबिनेट है ऊपर पूरा बैठा हुआ, जो हर छोटे मोटे काम आपके दिन भर, और यही कैबिनेट अगर दुनिया के कितने जितने भी हम हैं इस समय, अब तो गिनती करना ही, मैं एक तो अरब खरब ये सब है ना जो शब्द जो हैं अब वो बेमानी हो चुके हैं, तो बस इतनी सारी हायर एनर्जी हैं जो दिन में के हर सेकंड पे आपका कंट्रोल कर रही हैं, तो वो उनको अपना कोई काम नहीं है क्या, वो कितनी उनकी बोरिंग जिंदगी होगी कि वो ये कर रहे हैं कि अच्छा अभी इसको बोलते हैं कि पानी पी ले भाई। तो तेरा गला सूख रहा पानी पी, तो ये किस तरह की हायर एनर्जी, पहली बात तो ये है। दूसरा जो सेंट्रल पैराडॉक्स है किसी भी धर्म का, ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन का एक सेंट्रल पैराडॉक्स है जिसका जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया, मैंने बहुतों से पूछा है, उन लोगों से जो हिंसक नहीं है, वरना मैं आपके सामने नहीं खड़ा होता, तो बहुत सोच समझ के पूछता हूँ मैं पहले टेस्ट करता हूँ कि हिंसक तो नहीं है। तो
वो टेस्ट मैं आपको नहीं बताऊंगा। तो जो सेंट्रल पैराडॉक्स है हर ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन का, वो ये है कि आप कहते हैं कि हमारे भगवान ने पूरी दुनिया बनाई, दुनिया का एक एक पत्ता बनाया, यहाँ तक कि सिर्फ इस प्लैनेट पे नहीं, दूसरे भी पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में जितने भी प्लैनेट हैं, जितने भी तारे हैं, जितने भी जो देख सकते हैं हम, जो नहीं देख सकते हैं, हवा, ज़मीन, पानी, सब बनाया है हमारे भगवान ने। तो फिर तुम दूसरे इंसान से नफरत कैसे करते हो ये बोल के कि वो दूसरे धर्म का है, ये कैसे हुआ? उसको भी तो तुम्हारे भगवान ने बनाया होगा। वो या तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारे भगवान ने सिर्फ तुम्हारे धर्म के लोग बनाए हैं, तो फिर वही आ गया कि दूसरे धर्म के भी एक भगवान है ऊपर, उन्होंने अपने धर्म के लोग बनाए हैं। तो भगवान जो हैं बहुत सारे, उन्होंने ज्योग्राफिकल एरिया बांटा हुआ है, सिर्फ देश के हिसाब से नहीं, शहर के हिसाब से नहीं, मोहल्ले के हिसाब से नहीं, मार्केट के एक ही मॉल में ये चार दुकानें जो हैं ये एक भगवान ने बनाई हैं, फिर वो दो उसके ठीक बगल वाली दुकान है वो दूसरे भगवान का कंट्रोल है उस पर, फिर ऊपर एक और दुकान है वो किसी और भगवान का कंट्रोल है। तो ये चल क्या रहा है? अगर आप मानते हैं, और अगर आप, मैं आपकी आस्था की पूरी इज्जत करता हूँ, अगर आप ये मानते हैं कि पूरी दुनिया का हर इंसान आपके भगवान ने बनाया है, उसका मतलब है कि वो जो दूसरे धर्म का इंसान है, आप मान लीजिए आपके भगवान ने बनाया, बस वो कोई और रास्ते से वहां तक जा रहा, तो आप उससे नफरत क्यों करते हैं? आप उसको अपने साथ मिलाने की कोशिश, या उसके विरुद्ध किसी भी तरह की खबर आए तो उस पर आप विश्वास कर लें, फेक न्यूज आए उस पर विश्वास कर लें, आप उसको तोड़ना चाहें, आप उसको मारना चाहें, ये कैसे हो रहा है? और ये हर धर्म के साथ हो रहा है। हर धर्म ये कह रहा है कि दूसरा वाला ठीक नहीं, हम ठीक, हम बहुत बढ़िया हैं, क्योंकि हमको हमारे भगवान ने बनाया, बनाया उनको भी है लेकिन उतना सही नहीं बनाया, शायद हम ठीक कर देंगे। तो ये जो पैराडॉक्स है, इससे एक चीज खुल के सामने आती है। लोग कहते हैं कि गॉड हैज क्रिएटेड अस इन हिज और हर इमेज, भगवान ने हमको बनाया है अपनी ही छवि में। इस बात से ये समझ में आता है कि असल में हमने भगवान को बनाया है अपनी छवि में। वी हैव क्रिएटेड गॉड, दैट्स वाई आर गॉड्स आर समटाइम्स एज एंग्री और एज जेनरस और एज क्लूलेस एज अस समटाइम्स। इसलिए ये जो बात है कि अपने धर्म को हमको फैलाना है, उसे आप अपने भगवान को नहीं फैला रहे हैं, आप अपनी शक्ति को फैला रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि आप उतने ही ताकतवर हैं जितना आप अपने भगवान के नाम पे ताकत फैला सकते हैं। सो विच इज द सेंट्रल पैराडॉक्स एंड विच इज समथिंग विच आज तक किसी ने मुझे जवाब नहीं दिया है कि ये कैसे हो रहा है और आप इसके साथ कैसे ओके हैं। अब जो अगली बात आती है धर्म और विज्ञान की, धर्म ने एक समय पर, जो मैं कह रहा था, काफी समय तक फेथ साथ साथ चला, फेथ ने कोशिश की समाज को जोड़ने की, फिर जब फेथ थोड़ा पीछे रहने लगा, खास करके पिछले 300 साल में, तो एक फ्रस्ट्रेशन आने लगा ऑर्गेनाइज्ड फेथ के अंदर, और खास करके ये जो अंधश्रद्धा वाला जो फेथ है उनके अंदर बहुत फ्रस्ट्रेशन आने लगा, गुस्सा आने लगा, और उस गुस्से में उन्होंने अपनी जो सबसे, सॉरी ये बार बार वो आ रहा है क्या इसमें, आपको भी आवाज़ में दिक्कत हो रही है, थोड़ा सा दूर कर दूं इसको, अभी बेहतर है क्या? तो उनको लगा, जो हमेशा होता है, जो आप हर तरह के तानाशाह में ये प्रवृत्ति देखेंगे, जब वो थोड़ा सा कमज़ोर पड़ते हैं तो उनके अंदर गुस्सा बढ़ जाता है और वो कुछ भी बोलने लगते हैं, ठीक है। तो फेथ के अंदर वो चीज़ हुई और उस चक्कर में और कमज़ोर होना शुरू हुआ, क्योंकि फेथ ने क्या किया, प्योरिटी पे जो जोर दिया, जिससे कि कास्ट सेग्रीगेशन, जिससे कि रिलीजियस सेग्रीगेशन, जिससे कि जेंडर सेग्रीगेशन, या एक जेंडर के प्रति या एक दूसरे के प्रति जो अविश्वास बढ़ा, वो फेथ का
अपने पैर पर सबसे बड़ी कुल्हाड़ी है, क्योंकि साइंस का एक नियम है जो जीवन का नियम है, वो ये है कि एवोल्यूशन की थ्योरी से हम यहाँ पहुँचे हैं। एवोल्यूशन की थ्योरी क्या है? नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन क्या है? कोई भी जीव उससे दोस्ती करेगा, उससे प्यार करेगा, उससे रिप्रोड्यूस करेगा जो उसके हिसाब से सबसे ज़्यादा ताकतवर है, सबसे ज़्यादा सुंदर है, सबसे ज़्यादा कंपैटिबल है। इसमें से कुछ भी हो सकता है, दुनिया भर का हर जीव यही करता है, यही नेचर का विधान है। अगर आप उसके अगेंस्ट जाएंगे, आप कहेंगे कि हम बताएंगे कहाँ शादी करनी है, वो अपने धर्म में करनी है, अपने कास्ट में करनी है, अपने देश में करनी है, अपने रंग में करनी है, तरह तरह के ये जो पाबंदियाँ लगा रहे हैं, ये एंटी एवोल्यूशन है। इससे इंसान भी कमज़ोर हो रहा है, हमारी रेस कमज़ोर हो रही है, और साथ ही साथ धर्म खुद कमज़ोर हो रहा है, क्योंकि धर्म के ठेकेदार जो अगले जन्म वाले हैं, मतलब इसके बाद वाली जो जनरेशन है और उसके बाद वाली जनरेशन है, वो और कम बुद्धि वाले पैदा हो रहे हैं। इसलिए आप जो देखें, जो मैं कहूँगा कि अंधश्रद्धा वाले भी जो बाबा वगैरह होते हैं, वो हर 10 साल में और बेवकूफ़ पैदा हो रहे हैं, क्योंकि अब उनके अंदर ना सोफिस्टिकेशन रहा है, अब वो ऐसा नहीं है। अभी जो आप देखेंगे, आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये इन्फ्लुएंसर है कि बाबा है, आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये आदमी जोक कर रहा है कि ये सच में चाहता है कि लोग इसको सुने और सच में इसके पास कुछ कहने को है। जो आज से 20 साल पहले जो बाबा थे, वो भी इतने ही इविल रहे होंगे, लेकिन एक नज़र में देख के आपको नहीं पता चलता था, आपको थोड़ा उसको मुँह खोलना पड़ता था कि ये, आज तो शक्ल देख के ही पता चल जाता है कि भाई फ्रॉड है आदमी। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इन्होंने प्योरिटी पे इतना जोर दिया कि अब अपने ही इनकी जो पुश्ते हैं वो बेवकूफ से बेवकूफ़तर पैदा हो रही हैं। तो ये धर्म ने या आस्था ने अपने साथ ये नुकसान कर लिया। जैसे कि मैं आपको 2-3 उदाहरण देता हूँ, हमारे देश में बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण रहे हैं। कोविड आया, दुनिया भर में तरह तरह की वैक्सीन की बात हो रही थी, कम्युनिटी एक्शन हो रहा था, सोशल डिस्टेंसिंग हो रही थी, मास्क लगा रहे थे, हमारे यहाँ हर हफ्ते एक नया इलाज आ रहा था। कोई बोला कि ऐसा है, 12 घंटे घर में बैठो, खत्म हो जाए, शाम तक कोविड खत्म हो जाएगा, 12 घंटे कोविड को घोस्ट कर दो, तुम फोन ही मत उठा, उसको लगे अच्छा है ही नहीं कोई शहर में, चले गए, सब शांति है, चलो अपन लोग जाते हैं कहीं, है ना। फिर एक मंत्री जी थे, उन्होंने कहा कि पापड़ खा लो भाई, एक तो पापड़ खा लो पहले तो ये, वो भी भाभी जी पापड़, इस नाम का पापड़ मैं नॉर्मल समय में भी ना खाऊं, ठीक है। कोविड के समय में मैं भाभी जी पापड़ मैंने नाम ही नहीं सुना कभी, लिज्जत पापड़ बोल देते तो मैं खा लेता, कोविड नहीं भी ठीक होता, मजा तो आता ना। वो बोले भाभी जी पापड़ खा लो, फिर एक बोले कि ऐसा है मिट्टी में लौट जाओ, एक बोले गोबर लगा लो, एक बोले मिट्टी में कीचड़ में लौट जाओ, कीचड़ में ना वो इतनी ताकत होती है मिट्टी में, हमारी मिट्टी में इतनी ताकत है कि उससे फिर वो कोरोना जो है वो अंदर नहीं आएगा। एक कमाल की कहानी है, ये सच है, पता नहीं आप में से कितनों को पता है, आप गूगल कर सकते हैं, ये अक्षरशः सच है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। गोवा में एक इंसान कोविड के ठीक बीच में, हाँ बहुत भयंकर कोविड चल रहा था उस समय, एक इंसान सुबह उठा, उसको सपने में कोविड की वैक्सीन आई थी, उसका फॉर्मूला आया था। कोई भी साधारण आदमी ऐसे में क्या करेगा, वो अपने आप को 2 थप्पड़ मारेगा और सपने को भुलाने की कोशिश करेगा। इसने क्या किया, इसने एक चिट्ठी लिखी भारत सरकार को कि मुझे सपना आया है, उसमें कोविड की वैक्सीन का फॉर्मूला आया है। ऐसे में सरकार क्या करेगी, सरकार किसी को भेजेगी कि इसको 2 थप्पड़ मारो और इसको बोलो सपने को भूल जाए, आज के बाद सोना ही नहीं है तुमको, तुम्हारी आंखों में हम लगा रहे हैं वो क्लिप, अब तुम नहीं सोओगे जीवन भर। सरकार ने क्या किया आप सोचिए, सरकार ने आयुष मिनिस्टर को भेजा,
वो मिनिस्टर ने फोन नहीं किया, फोन नहीं किया क्योंकि उस समय वो 12 घंटे वाला लॉकडाउन था, उनको बताया गया था कि फोन करोगे तो कोविड को पता चल जाएगा कोई है यहाँ, तो वो गए गोवा। ये सत्य कथा है, वो गए गोवा उसके घर उससे मिलने। कहा भाई सुना है आपने, कोई फॉर्मूला देखा है सपने में? ऐसा नहीं, उस आदमी ने झूठ नहीं बोला, उसने ऐसा नहीं कहा कि मेरी एक रिसर्च लैब है और मैंने ये फॉर्मूला बनाया है, उसने सत्य कहा। और सत्य कभी कभी इतना आकर्षक होता है कि भारत सरकार अपने मंत्री भेज देती है। वो चले गए, उन्होंने पूछा अच्छा भैया क्या फॉर्मूला है, उन्होंने बताया कि देखिए ऐसा है, फॉर्मूला बड़ा अच्छा है, इसमें थोड़ा नींबू निचोड़िए, अदरक का जूस, लहसुन का जूस, थोड़ा हल्दी, थोड़ा कड़ी पत्ता, थोड़ा धनिया पुदीना, बेसिकली जो जो फ्री मिलता है ना उसने डाल दिया। वो गोवा में था, उसने बेसिकली हॉट टॉडी में से रम निकाल दी, मिनिस्टर ने बोला सही है बढ़िया लग रहा है, तो इसमें क्या ही बुरा होगा, अच्छा है चलो टेस्ट कर लेते हैं। तो वो भेजा गया, सरकार ने वो लैब में भेजा वो फॉर्मूला टेस्ट कर, ये पूरा पूरा सच है, इसमें कुछ भी झूठ नहीं, ये हुआ कोविड के बीच में। तो दुनिया के बाकी देशों ने कोविड को वैक्सीन से हराया है, कम्युनिटी एक्शन से हराया है, सोशल डिस्टेंसिंग से, किसी ना किसी तरह की रैशनल थिंकिंग, हमने उसे जलील करके भेजा यहाँ से। कोविड की जो सुबह जूम कॉल होती होगी वायरस के आपस में, जिसमें उनका जो ग्लोबल हेड है वो बताता होगा देखो ऐसा है, आपने घबराना नहीं है, आज कुछ भी हो सकता, आज हो सकता है ये लोग वैक्सीन बना लें, बड़े दिनों से ट्राई कर रहे हैं, हो सकता है तुम में से 10-12 को वैक्सीन लग जाए तुम मर जाओ, लेकिन हमको ये दुनिया पे कब्जा करना है, हमको डरना नहीं है, कुछ भी हो जाए हमको डरना नहीं है, यस बॉस यस बॉस। वो 50 विंडो खुले हुए हैं जूम पे, और शाम को वही जूम कॉल हो रही है, उसमें वो 50 के 50 जो हैं वो कीचड़ में लिथड़े हुए बोल रहे हैं बॉस आपने कहा था वैक्सीन, ये आदमी मिट्टी में लोट के पापड़ खा रहा है, कच्चा पापड़ है वो, और इसने मेरे ऊपर अदरक का और लहसुन का जूस निचोड़ दिया है, मैं नहीं रह सकता इस देश में, हमको यहाँ से निकाल लो भैया, हाँ हम कहीं भी चले, हम वैक्सीन के लिए तैयार हैं, हमको तुम एस्ट्राजेनिका की जो लैब है उस लैब में जो वैट है जिसके अंदर ये वैक्सीन बन रही उसमें डाल दो, मैं कीचड़ नहीं सह सकता। तो इस तरह से हमने कोविड को भगाया यहाँ से। अब जो आखिरी हिस्सा है, आर्टिस्ट की क्या जिम्मेदारी है ऐसे समय में, आर्टिस्ट क्या कर सकता है? बहुत सारी चीज़ें कर सकता है। सबसे पहली बात, फिर से मैं ओरिजिन ऑफ ह्यूमैनिटी पे जाता हूँ, एक जीन जो होता है, जीन कॉपी एरर से जो आया है, जीन का काम क्या है, हमारा काम क्या है, हम सब इस दुनिया में क्यों हैं? बहुत सारे हमारे पर्पस हैं, हम लोगों ने ढूंढ लिए हैं, हमारा पर्पस है आर्ट बनाना, हमारा पर्पस है फसल उगाना, हमारा पर्पस है सभ्य समझदार रैशनल लोगों को चुप कराना, हमारा पर्पस है मिनिस्टर को गोवा भेजना किसी के सपने के लिए। एक मार्टिन लूथर किंग थे जूनियर जिन्होंने कहा था आई हैव अ ड्रीम, और एक ये है गोवा वाला, दो लोग हैं दुनिया में जिनको सपने आए, उसमें से एक के सपने ने दुनिया को बदला और एक के सपने ने मिनिस्ट्री को बदल दिया, बट बहुत बढ़िया। पर जीन का काम क्या है? जीन का काम एक ही है, जीन में हार्ड कोडेड क्या चीज़ है? कोई भी चीज़ जीन में, ना विज्ञान हार्ड कोडेड है ना आस्था हार्ड कोडेड है, जीन में सिर्फ एक चीज़ हार्ड कोडेड है, सर्वाइवल एंड मल्टीप्लीकेशन, बेसिकली मल्टीप्लीकेशन, सर्वाइवल उसका सेकेंड पार्ट है, मल्टीप्लीकेशन। जीन क्या चाहता है? मैं फैलूं। ये चीज़ क्यों है उसके अंदर, ये अभी भी वैज्ञानिक नहीं बता पाए हैं, लेकिन वो खोज रहे हैं। विज्ञान की सबसे बढ़िया बात क्या है, वो हमेशा खोजता है, हमेशा सवाल पूछता है। विज्ञान जैसे कि फेथ इज अ जर्नी फ्रॉम डाउट से शुरू होती है, बट जवाब मिलता है, डाउट से क्लैरिटी का सफर है फेथ। विज्ञान क्या है? डाउट से बड़े डाउट का सफर है, बड़े डाउट से और बड़े डाउट का
का सफर है, इसलिए वो मुश्किल है, इसलिए वो सोचने में लगता है कि इतनी मेहनत कौन करेगा यार, काहे इतना सवाल पूछे। वो बोल रहा है ना कि हो गया ठीक है बैठ जाओ घर पे, भगवान ने ही बनाया है, भगवान ने दिया है, भगवान ने ले लिया, बात खत्म हो गई। विज्ञान जो है ये क्या करता है और क्यों करता है? क्योंकि जीन के अंदर ये हार्ड कोडेड है सर्वाइवल मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन किन चीज़ों पे निर्भर करता है? चार बहुत बड़ी चीज़ों पे निर्भर करता है। पहला ये है कि ये जो आसपास हो रहा है कहीं ये हमारे लिए खतरा तो नहीं है, जहाँ से इंसान ने पहला सवाल शुरू किया कि ये बिजली से हमको खतरा तो नहीं है, ये जो पौधा है ये खाने से मैं मर तो नहीं जाऊँगा, ये खतरा जो है जो हमारी हर चीज़ में हार्ड कोडेड है, हर एनिमल में, जो रेप्टिलियन ब्रेन जिसको हम कहते हैं फाइट और फ्लाइट, वो आज भी है। अभी यहाँ पे ज़रा सा मान लीजिए यहाँ पे ये माइक ही गिर जाए या ये टेबल गिर जाए, अचानक से हम में से बहुत लोगों को झटका लगेगा, ठीक है, हम लोग डर जाएंगे, भले ही वो बहुत दूर गिर रहा है, आपके ऊपर नहीं गिर रहा, आप डरेंगे, क्योंकि हमारे अंदर वो जीन ने कहा है ये खतरा है। कोई भी चीज़ गिर रही है, बहुत नज़दीक नहीं गिर रही है तो भी खतरा है, हमारे अंदर जीन ने वो चीज़ दी है सर्वाइवल इंस्टिंक्ट मल्टीप्लीकेशन। तो पहला हमको क्या चाहिए? हमको जवाब चाहिए, वी नीड आंसर्स टू फील सेफ ऑन दिस प्लैनेट। सेकेंड थिंग वी नीड स्टोरीज। ये क्यों चाहिए जीन को? क्योंकि स्टोरीज से हमने कम्युनिकेशन करना सीखा। बहुत सारी थ्योरीज हैं जिनमें ये कहा जाता है कि इंसान इंसान बना क्योंकि हम कहानियाँ सुना सकते थे, कहानियों में हमने इंफॉर्मेशन कोड की, जो बहुत सारे धार्मिक ग्रंथों में भी है, जिस तरह की इंफॉर्मेशन उसमें कोड करके वो कई बार वाचन परंपरा से आई है, कई बार लिखित परंपरा से आई है, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन है अगली जनरेशन के लिए। कहानियाँ बड़ी ज़रूरी हैं सर्वाइवल के लिए, जीन मल्टीप्लीकेशन के लिए। तीसरी चीज़ क्या ज़रूरी है? कि कम्युनिटी बिल्डिंग। कम्युनिटी में आप सर्वाइव कर सकते हैं। इंसानों ने देखा कि भेड़िए कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, भेड़िए झुंड में रहते हैं इसलिए वो शेर से भी नहीं घबराते हैं, उनका पूरा झुंड मिलकर, शेर अकेला चलता है, शेर को भगा देते हैं। भेड़ियों से हमने ये सीखा, भेड़ियों से हमने सही चीज़ें भी सीखी और गलत भी सीख ली। ये नहीं समझे हम लोग कि भेड़िया जाके ये नहीं बोलते हैं कि जाके हिरन को कि तुम हमारा, तुम भी भेड़िया बन जाओ, ये नहीं बोलते हैं। हम लोग बोलने लगे वो हमारा कम्युनिटी का अपना एक स्टूपिड सेंस है, बट कम्युनिटी। द थर्ड थिंग, कम्युनिटी अगेन पार्ट ऑफ सर्वाइवल। एंड द फोर्थ थिंग, वेरी वेरी स्ट्रेंज बट ट्रू, व्हाट वी नीड फॉर सर्वाइवल इज अ सेंस ऑफ सरेंडर। सरेंडर से क्या होता है? सरेंडर से हमारी नर्व्स काम होती हैं, हमको लगता है कि हाँ हम यहाँ बैठ सकते हैं, ये चीज़ हमको सहारा देती है। वो सरेंडर हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए हमने भगवान, आस्था, धर्म बहुत सारी चीज़ें बनाई। लेकिन वही सरेंडर आपको असल में ध्यान से देखें तो विज्ञान देता है, हम बस उसको सरेंडर नहीं मानते। अगर आपको मान लीजिए बुखार हुआ, आप तुरंत पैरासीटामोल लेते हैं, डोलो लेते हैं, जो भी लेते हैं, बहुत आप गोवा से हैं तो आप जानते हैं आपको नींबू वींबू ले लेते हैं, लेकिन सरेंडर आपको तुरंत आपके अंदर डर नहीं आने देता है। आपको पता है बुखार हो गया, 100 हो गया, 101 हो गया, तुरंत गोली लेंगे सुबह तक ठीक हो जाएगा, ये सरेंडर है। बहुत सारी विज्ञान की चीजें, आप इस कुर्सी पे बैठे हैं, आपके अंदर ये डर नहीं है कि वो गिर जाएगी क्योंकि वो वैज्ञानिक तरीके से बनी है। आप यहाँ पे बैठे हैं, ये छत बनी है, आपको कोई भी डर नहीं है किसी भी तरह का, ये सब विज्ञान है। विज्ञान ने हमको ऐसी ऐसी चीज़ें दी हैं जो हम सोच भी नहीं, कई बार हमको पता भी नहीं चलेगा। यहाँ पे मैं बहुत सारे लोग, मतलब अगर इस धरती पे, अब तक मैं एक रैंडम नंबर बोल रहा हूँ कि मान लीजिए 500 खरब लोग रहे हैं जब से नियंडरथल से लेकर अब तक जो रहे हैं, जो इंसान रहे हैं या इंसानों के पूर्वज रहे हैं, उनमें से भी बहुतों को ये पूरी ज़िंदगी नहीं पता होगा, जबकि ये बहुत ही साधारण सा वैज्ञानिक तथ्य है कि हमारी आँखें 3D नहीं देख सकती हैं। जो 3D आपको दिख रहा है, जो मुझे दिख रहा है, ये 3D नहीं है, हमारी आँखें सिर्फ 2D देख सकती हैं। ये दो अलग कैमरे हैं, एक कैमरे से कोई भी आप 3D बना सकते हैं क्या? एक कैमरे से आप कोई भी फोटो ले लें दुनिया भर का, कितना भी एडवांस कैमरा हो, क्या वो 3D लगता है? आपको 3D चश्मा लगाना पड़ता है। वो 3D चश्मा जो फिल्म को 3D बनाता है, वो 3D चश्मा हमारे अंदर है, लेकिन वो चश्मा असल में नहीं है। वो चश्मा एक इक्विपमेंट नहीं है, वो चश्मा सिर्फ हमारा ब्रेन है और उसके दो नर्व्स हैं जो इन दो 2D इमेजेस को, जो दोनों आँखों से दो अलग 2D इमेज बन रहे हैं, उनको वो स्टीरियोस्कोपिक विजन जिसको हम कहते हैं, वो ब्रेन उनको जोड़ के, दो इमेजेस को जोड़ के हमको आभास देता है कि हम 3D इमेज देख रहे हैं।
ये कितनी कमाल की साइंस है, ये कितना कमाल का विज्ञान है, लेकिन हम नहीं जानते, लेकिन विज्ञान हमारे अंदर है और उसको हमने सरेंडर, जैसे कि इस विज्ञान को हमने पूरी तरह से, हम इसके सामने नतमस्तक हैं, हमको पता भी नहीं है, इतना ज़्यादा हम इसके अंदर हैं कि हम दुनिया को 3D मान रहे हैं, वो सच नहीं है। तो ये चार चीज़ें जो हैं, जवाब, कहानियाँ, कम्युनिटी और सरेंडर, ये बहुत ज़रूरी हैं एक जीवन में आपको नॉर्मल सेफ महसूस करने के लिए, जीन मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब आप ध्यान से देखें तो ये दोनों चीज़ें असल में आस्था भी देती है, विज्ञान भी देता है, ये दोनों, ये चारों चीज़ें आस्था भी देता है, विज्ञान भी देता है, दोनों अलग अलग तरह से देते हैं। विज्ञान जो देता है, अगर जवाब देता है तो वो मुश्किल जवाब देता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। आस्था जो है आसान जवाब देती है। हर आदमी विज्ञान एक्सेस नहीं कर सकता है, बहुत सारे लोग हैं जो आस्था के थ्रू ही ये चीज़ें समझते हैं। तो हमको एज आर्टिस्ट आस्था से इंटरैक्ट करते रहना पड़ेगा, उनको बेहतर बनाना पड़ेगा, उनके अंदर रैशनल थिंकिंग लानी पड़ेगी कि आपके पास बहुत बड़ी ताकत है, आपको बहुत लोग सुनते हैं क्योंकि आपके पास जवाब हैं, आपके पास सरेंडर का भाव है, जो लोग खुद आते हैं अपने आप सर झुका के आपको सुनते हैं, बहुत मन से सुनते हैं, पूरे एक भाव से सुनते हैं कि आप सच कह रहे हैं, आप कुछ भी कह दें वो सच मानते हैं। तो आपके पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आप उसका सदुपयोग दुरुपयोग जो दोनों कर सकते हैं, लेकिन एज आर्टिस्ट हमारा काम है ये ब्रिज बनाना विज्ञान और आस्था के बीच, क्योंकि विज्ञान अपनी दुनिया में बहुत ज़्यादा उलझा हुआ है। विज्ञान के अंदर एक चीज़ जो मैं मानता हूँ, थोड़ा एरोगेंस भी है, विज्ञान मानता है कि हम बहुत ऊपर हैं और बाकी सब हमसे नीचे है, तो विज्ञान का जो एरोगेंस है वो उसकी टेक्निकल भाषा में भी दिखता है। वैज्ञानिक जो हैं, ठीक है वो अपनी दुनिया में उलझे हैं, लेकिन उनकी तरफ से बहुत कम मेहनत हुई है उसको जनता तक पहुँचाने की, उसको आम जन तक पहुँचाने की, एक साधारण भाषा में बहुत कम। और अब हमारे, सिर्फ हमारे देश में नहीं, दुनिया भर में ऐसी ही इस्टेब्लिशमेंट आ गई है जिसका फ़ायदा है ये न पहुंचाने में लोगों तक। तो बहुत सारे वैज्ञानिक संस्थान या आर्टिस्टिक संस्थान भी वो एक तरह से शिकंजे में आ रहे हैं, जिनको कि दबाया जा रहा है ताकि वो ये पहुंचा ना पाएँ ये बातें, इन दोनों की ये दोस्ती ना करा दें, आस्था और विज्ञान की, वो सबसे बड़ा डर है। तो आर्टिस्ट वो काम कर सकता है। और आर्टिस्ट एक और काम कर सकता है, वो है कि लोगों को ये समझाना कि एम्पैथी, कंपैशन, प्यार उतनी ही ताकतवर चीज़ें हैं जितनी रैशनल थिंकिंग है। अगर आप प्यार से बात करेंगे, अगर आप एम्पैथी से बात करेंगे, अपनी आर्ट में वो लाएंगे। जो एम्पैथी आप भले ही मंटो पढ़ लें, अमृता प्रीतम पढ़ लें, काफ्का पढ़ लें, जो अलग अलग तरह से दुनिया को देख रहे हैं, अलग अलग तरह से इंसानी कंडीशन को देख रहे हैं, सब में एक कंपैशन है और वो कंपैशन आपको एक बेहतर इंसान बनाता है। वो आर्ट की ताकत है, क्योंकि आर्ट एक तरह से निर्दलीय होता है, बाकी दोनों अपने अपने दल में हैं। कला जो है और कलाकार जो है वो निर्दलीय है, उसके पास वो ताकत है कि वो कहानी के जरिए बहुत सारी बातें आप तक पहुंचा सकता है, एक तरह से तटस्थ होकर, जिसमें कि लोगों को ये नहीं लगे कि ये कोई एजेंडा लेकर आ रहा है। और आपका एजेंडा कुछ होना भी नहीं चाहिए, आपका एजेंडा ये नहीं होना चाहिए कि मैं इस चीज़ को उठा दूं और उसको गिरा दूं, आपका एजेंडा ये होना चाहिए कि मानवता उसमें है कि नहीं। और मैं अपनी बात खत्म करूंगा एक ऐसे ही उदाहरण से, जो एक आर्टिस्ट का एक कहानी थी, बहुत फेमस नॉवेल है अल्बर्ट कामू का, द प्लेग नाम से। द प्लेग में एक गांव है, एक टापू है, उसमें प्लेग फैल जाता है, बहुत लोग मर रहे हैं, ज़्यादातर लोग जो भाग सकते हैं उस टापू से वो भाग जाते हैं, बचते हैं कुछ लोग, उनमें से खास करके ये दो लोग, एक प्रीस्ट और एक डॉक्टर, दोनों अपनी अपनी तरह से लोगों की सेवा कर रहे हैं। डॉक्टर जितना भी किसी को बचा सकते, दोनों को प्लेग हो सकता है, प्लेग बहुत ही ज़्यादा संक्रामक बीमारी है और दोनों को हो सकती है, दोनों मर सकते हैं, दोनों के पास ऑप्शन है कि चले जाएं वहाँ से, दोनों वहाँ रुके हुए हैं, दोनों लोगों की सेवा कर रहे हैं अपनी अपनी तरह से। कोई मरने वाला होता है तो प्रीस्ट आके उसको एक तरह से ये जो भी अंतिम पूजा है वो कर देता है, कुछ उसको बता देता है कि अगली दुनिया कैसी होगी, जो भी बताना है, या
डॉक्टर के साथ मिलकर मदद करता है, किसी को उठा के कहीं पहुंचाना है, दवा देनी है, ये दोनों मदद कर रहे हैं। एक दिन जो प्रीस्ट है वो डॉक्टर से पूछता है कि भाई ऐसा है, मैं तो ये भगवान की सेवा मान के कर रहा हूं, मुझे तो इसका पुण्य मिल रहा है, तुम यहां क्यों टिके, तुम क्यों नहीं चले गए? तो वो डॉक्टर जो कहता है वो बड़ा जरूरी है मेरे लिए। वो डॉक्टर कहता है बिकॉज आई एम अ ह्यूमन एंड ह्यूमन बीइंग्स आर डिसेंट पीपल, दैट्स हिज ओनली आंसर। हम अच्छे लोग हैं, हम बेहतर लोग बन सकते हैं हमेशा, हम समझदार लोग हैं, चेतना हमारे अंदर है, विवेक हमारे अंदर है, रैशनल थिंकिंग हमारे अंदर है, इसको सिर्फ हमको समझना है और सामने लाना है। धन्यवाद। धन्यवाद मिस्टर वरुण जी। आता अध्यक्ष समारोप करतील सतीश आळेकर सर। थैंक यू वरुण। बहुत दिनों से हिंदी में बोलने की थोड़ी कोशिश कर रहा हूँ, बहुत दिनों से इतनी साफ सुथरी सिंपल हिंदी लैंग्वेज की महक आपने दी। वरना हम तो हिंदी जानते हैं थ्रू फिल्म्स लाइक बाहुबली, पुष्पा एंड अदर ब्लॉकबस्टर्स, बट ये इतनी अच्छी हिंदी हमें मोहन राकेश के प्ले में मिलती थी, निर्मल वर्मा के कथाओं में मिलती थी, उसके बाद आपने इतनी अच्छी हिंदी दे दी। मित्र हो, मैं आपला जास्त वेळ घेत नाही आहे, त्यांनी अतिशय सुंदर विवेचन आज जिज्ञासामे जीवन या विषयावरचा उहापोह इतका सुंदर केलेला आहे, त्याच्यामुळे मी काही आपला रसभंग करू इच्छित नाही। दोन तीन गोष्टी फक्त जाता जाता सांगतो आणि मी माझं भाषण संपवतो। अंधश्रद्धा निर्मूलन हे डॉक्टर नरेंद्र दाभोळकरांचं जो आयुष्यभराचा ध्यास होता तो ध्यास अजूनही त्यांच्या पश्चातही चालू आहे। त्याबद्दल जे गेले 11 वर्ष जे जे कार्यकर्ते या ध्यासासाठी झपाटत आहेत त्यांना मी मनपूर्वक शुभेच्छा देतो आणि धन्यवाद देतो की त्यांच्या पश्चात हा मोठा वटवृक्ष आपण राखून ठेवलेला आहे। इतक्या साध्या राजकीय आणि सामाजिक परिस्थिती तशी साथ देत नसताना सुद्धा अंधश्रद्धा निर्मूलनच्या बद्दल दोन टोकं आहेत। एक आपले डॉक्टर श्रीराम लागूंचं मत आपल्याला माहिती आहे की देवाला निवृत्त करा, सेवा निवृत्त करा, आणि एका बाजूला नरेंद्र दाभोळकरांचं मत आपल्याला माहिती आहे की श्रद्धेच्या विरुद्ध ते नाहीत पण अंधश्रद्धेच्या विरुद्ध ते आहेत। तर ही दोन टोकं आहेत, त्याने टोकाच्या मध्ये आपल्याला कुठेतरी प्रवास करायचा आहे। आणि आत्ता वरुणनी अतिशय चांगलं सांगितलं की फेथ आणि सायन्स हे काही फेथ आणि सायन्स हे काही ह्याच्यामधला प्रवास काही काळ्या पांढऱ्या रंगात नसतो, ब्लॅक अँड व्हाईटमध्ये काही जग नसतं, आपलं मनही तसं नसतं। फेथ आणि सायन्स हे हा जसा एक ग्रे एरिया आहे तसाच आमच्या नाटकवाल्यांच्यामध्ये आहे की परफॉर्मन्स आणि रिच्युअल, प्रयोग कधी सुरू होतो आणि विधीनाट्य कधी सुरू होतं, म्हणजे सत्यनारायणाची पूजा घालतायत जे नवरा बायको त्यांच्या दृष्टिकोनातनं ते रिच्युअल आहे, पण जी पूजा सांगतोय तो जो पुरोहित आहे त्याच्या दृष्टीनं तो प्रयोगही असेल, तो परफॉर्मन्सही असेल, कारण त्यांना अनेक ठिकाणी अजून तो प्रयोग करायचा आहे आणि दक्षिणा घेत पुढे पुढे जायचं आहे। ही जशी ग्रे एरिया आहे तसंच
प्रेक्षक कधी प्रेक्षक असतो आणि प्रेक्षक कधी भाविक बनतो. कीर्तनाला गेलेला प्रेक्षक हा प्रेक्षक आहे आणि कीर्तनकारांनी मनच माथी भडकवण्याचा काही प्रयत्न केला की तो प्रेक्षकांमधनं भाविक निर्माण होतो, मग तो परत प्रेक्षक त्यातला काही होतो. तर ही डिग्री जशी एक मान्यावर आहे आणि एक आपल्या मनातल्या विवेकाला अधोरेखित करणारी आहे, ते सगळ्यांनी ध्यानात ठेवलं पाहिजे. याच्याबद्दलचं विवेचन आत्ता वरुणने अतिशय चांगल्या उत्तम हिंदीमध्ये केलं. तर या संदर्भात कलाकाराची भूमिका काय असावी याच्याबद्दलही वरुणने आता सांगितलं की हे सगळं बघत असताना आपल्याला स्वतःलाच निसर्गाने जे दिलं आपल्याला आहे, जे शरीर दिलेलं आहे, त्याच्यामधूनच आपल्याला व्हर्च्युअल रियालिटी इतकी दिसते आणि त्या व्हर्च्युअल रियालिटीला साथ देणारी व्हर्च्युअल रियालिटी आता या मीडियाने निर्माण केलेली आहे. त्याच्यामुळे त्या व्हर्च्युअल रियालिटीमध्ये कितपत आपण मन गुंतून ठेवायचं हा प्रत्येकाने सारासार विवेक ठेवला पाहिजे. दुसरी गोष्ट त्यांनी सांगितली की ॲरोगन्स ऑफ सायन्स, याच्यापासूनही पण आपण सावध राहिलं पाहिजे. आणि ॲरोगन्स ऑफ सायन्स हा अतिशय महत्त्वाचा मुद्दा आहे की जे सायन्सचे लोक आहेत ते ज्या पद्धतीने सांगतात. या ठिकाणी मला ह्याला एक अँटीडॉट आठवतो, तो म्हणजे आपले जयंत नारळीकर. जयंत नारळीकर इतके मोठे सायंटिस्ट असताना त्यांच्या लिखाणातनं कधीही कुठलाही ॲरोगन्स आपल्याला दिसला नाही. अतिशय सुबोध पद्धतीनं त्यांनी आपलं जी अंधश्रद्धेचा जो विरोध आहे तो अत्यंत संयत शब्दात त्यांनी आपल्या कलाकृतीमधनं मांडलेला आपल्याला दिसतो. आणि ॲरोगन्स ऑफ सायन्स याला कसा छेद द्यायचा हे जयंत नारळीकरांनी आपल्याला त्यांच्या साहित्य त्यांच्या सायन्स फिक्शनमधनं आपल्याला दाखवलेलं आहे. आणि शेवटी वरुणने अतिशय समर्पक अशा पद्धतीनं आल्बर्ट कामूच्या प्रिस्ट आणि डॉक्टर प्लेग ह्या कादंबरीतनं प्रिस्ट आणि डॉक्टर यांच्या उदाहरणातनं आपल्याला त्यांनी समारोप केला. त्याचबरोबर आपल्याला त्यांनी एक विस्तृतमध्ये पटही उलगडून दाखवला की इव्होल्युशन आणि नेचर, नेचरमध्ये काही गोष्टी स्थायी असतात, काही परंपरागत असतात ज्या अजिबात बदलत नाहीत, आणि काही काही गोष्टी आहेत त्या बदललेल्या आपल्याला दिसतात. की उदाहरणार्थ आपल्यामध्ये माणसाची लॉंगिव्हिटी वाढली, हां, आयुष्याची एक्सपेक्टन्सी वाढली, परंतु अमरत्व माणसाला काही प्राप्त झालं नाही. त्या इव्होल्युशनमधनं त्यांनी केल्यानंतर आपलं जगणं जे आहे ते जगणं जास्तीत जास्त वाढून काय फार तर लिमिट आपली 100 वर्षापर्यंत नैसर्गिकरित्या गेलेली आहे, त्याच्यापेक्षा काय पुढे झेप आपली काही अजून गेलेली नाही, हेही तितकंच खरं असं मानलं पाहिजे. शेवटाला मी डॉक्टर दाभोळकरांच्या विषयी 2 शब्द बोलतो. त्यांचा आणि माझा काही तितकासा परिचय ओळख होती पण तितकासा परिचय नव्हता. त्याच्यापेक्षा जास्त ओळख माझी हमीदशी आहे, हमीदच्या कुटुंबियांशी आहे, नंतर प्रसन्नशी आहे, त्यांच्या त्याचा काका काकाच ना मला प्रसन्न भाऊ प्रसन्नशी माझी जास्त ओळख आहे. तो सायकॅट्रिस्ट आणि ससूनमध्ये बीजे मेडिकलच्या भोवती असताना. परंतु दाभोळकरांचा हा ध्यास आहे हा असा आवाज अशा पद्धतीनं जावा, त्या पद्धतीची यंत्रणा सगळी आपल्याकडे निर्माण व्हावी आणि सगळं जगच जणू काही 2014 पासून एक काळ्या पांढऱ्या रंगातच सगळं आहे की काय असा आभास वाटेल, अशी एक यंत्रणा आपल्याकडे विकसित कशी होत गेली आणि दुर्दैवाने त्याच्यामध्ये 1, 2, 3 नाही 4 बळी आपल्याला गेलेले दिसतात. आणि त्यांच्याविषयी आपल्याला अजून 14-10 वर्ष होऊन गेली तरी निश्चित असं काही आपण खुलासा झालेला नाही की हे का झालं, कुठल्या कारणाने झालं, त्यांना काय एक कुठला नॅचरल जस्टिस किंवा ज्याला क्लोजर म्हणतात असं काही क्लोजर व्हायला अजून 10 वर्ष होऊन गेली. एका पिढीतनं दुसऱ्या पिढीत गेली तरी आपल्याला कळलं नाही. काळ्या पांढऱ्या रंगात जग कधीच नसतं, इतिहास काळ्या पांढऱ्या रंगात नसतो.
राजकारण काळ्या पांढऱ्या रंगात नसतं, माणसाचं मत काळ्या पांढऱ्या रंगात नसतं, आणि हा जो विवेक आहे तोही काळ्या पांढऱ्या रंगात नसतो. त्याच्यामुळे श्रद्धा असली पाहिजे की श्रद्धा असलीच पाहिजे, आणि अंधश्रद्धा ही श्रद्धेपासून किती त्याच्यामध्ये एकमेकात गुंतलेले त्याचे धागे आहेत हे समजून घेतले पाहिजेत आणि कालक्रमाणा केली पाहिजे. दुर्दैवानं जी यंत्रणा आपल्यावर लादत चालली आहे किंवा लादली जाते त्यातून काळ्या पांढऱ्या रंगात तर सतत काहीतरी होतच आहे, पण त्याच्याबरोबर काहीतरी जनमानसात सतत भीती निर्माण होईल असं एक काहीतरी वातावरण होत आहे. ही भीती कशाची आहे, कशामुशी आहे सगळ्यांना माहिती आहे. प्रत्येकजण त्या भीतीशी चाचपून बघतो आणि पावलं सावधपणे टाकताना दिसतात. प्रत्येक क्षेत्रात कलाकार कलेच्या क्षेत्रात सावधपणे पाऊल टाकतो, चित्रपट दिग्दर्शक चित्रपट क्षेत्रात सावधपणे पाऊल टाकतात, राजकीय पुढारी बोलताना सावधपणे बोलतात. हे कशाकरता हा सावधपणा किंवा ह्या पद्धतीची भीती यापूर्वी नव्हती. धर्म पूर्वी पण होता, जाती पण पूर्वी पण होतात, पण रोज उठून सकाळी धर्माची आठवण कोणी करून देत नव्हतं आपल्याला जगत असताना. आम्ही स्वातंत्र्योत्तर काळात जन्मलो आणि पुढे गेलो, तेव्हाही तेव्हाही सत्यनारायण होते, तेव्हाही काय मुंजी होत होत्या, लग्न होत होती, रिच्युअल्स होत होते, अनेक गणपती उत्सव होत होते, परंतु रोज उठून तुम्हाला धर्माची आठवण कोणी करून देत नव्हतं की हा तुमचा धर्म आहे बरं का, हा तुमचा. आणि अशी आठवण करून दिल्यामुळे काय चांगलं झालंय, काय भलं झालंय हे माहीत नाही. तर अशा अवस्थेत आपण सध्या आहोत. तर त्याच्यामध्ये आपण स्वतः सावध असं त्या पद्धतीने असलं पाहिजे. दाभोळकरांच्या मृत्यूनंतर माझ्या बाबतीत व्यक्तिगत सांगायचं ते एक मात्र झालं की एक विलक्षण मला अस्वस्थता आली. त्या अस्वस्थतेचं काय करावं काही कळत नव्हतं. मला असं वाटायचं की आपण मोर्चात जावं किंवा आपण जावं, पण लक्षात यायचं की नाही नाही तो काही माझा मार्ग नाही, मोर्चात मी काही जाणार नाही, मी काही ॲक्टिव्हिस्ट नाही, मग मला काय करता येईल. तर मला लक्षात आलं की काही दिवसांनी जेव्हा पॅन्डेमिक आला तेव्हा लक्षात आलं की मला माझं नाटक लिहिता येईल. आणि ही जी अस्वस्थता दाभोळकर किंवा त्यांच्यासारख्या साध्यांच्या मृत्यूनंतर निर्माण झालेली आहे ती अस्वस्थता मी माझ्या नाटकात न घातली आणि जे नाटक तयार झालं ते सध्या चालू आहे. टकेशी संवाद मी काही नाटकाची जाहिरात करत नाही, परंतु सांगतो की ही मी अस्वस्थता त्या नाटकातनं माझ्या पद्धतीनं मी व्यक्त केली. आता वरून जे म्हणाला की कलाकाराला काय करता येईल, तर हा एक माझा मार्ग आहे तो मी ह्या सध्या काळात स्वीकारला. पुन्हा एकदा मी डॉक्टर दाभोळकर यांना यांची मनपूर्वक आठवण काढतो आणि त्यांना म्हणजे सगळ्यांना पुन्हा एकदा आपल्याला निश्चय स्वतःशीच करता येईल की जोपर्यंत त्यांच्या खुनाची जी स्मृती आहे ती आपल्या मनात आहे तोपर्यंत अंधश्रद्धा निर्मूलनाचं काम तितक्याच जोरात एका पिढीतनं दुसऱ्या पिढीत, दुसऱ्या पिढीतनं तिसऱ्या पिढीत होत राहील आणि दरवर्षी आपण त्यांची आठवणी सतत जागवत राहू. मला या ठिकाणी बोलवल्याबद्दल मनपूर्वक आभार. धन्यवाद आळेकर सर. यानंतर आभार प्रदर्शन करतील श्रीयुत ललवाणी सर. तत्पूर्वी डॉक्टर दाभोळकरांनी स्वतः लिहिलेली जी पुस्तकं आहेत त्याच्या लहान लहान पुस्तिकाच्या रूपात ते उपलब्ध केलेले आहेत. त्याची किंमत अतिशय कमी ठेवली, 15 पुस्तकांचा संचय मागे उपलब्ध आहे, 250 रुपये किंमत ठेवलेली आहे. आणि अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचं वार्तापत्र आहे, त्याची वार्षिक किंमत आहे 300 रुपये, त्याची पण नोंदणी करण्याचा स्टॉल मागे आहे. कृपया त्या संधीचा अवश्य फायदा घ्यावा. धन्यवाद. ललवाणी सर. नमस्कार. जिज्ञासा ही जीवन इस विषय पे वरुण जी अपने स्वानुभव कथन के साथ जिस अच्छे ढंग से आस्था और विज्ञान का विश्लेषण किया, उसमें का फर्क बताया और सभी यंगस्टर्स को एक रास्ता दिखाया, इसलिए हम आपके बहुत बहुत आभारी है. आपको बहुत बहुत धन्यवाद. वरुणजींनी जे सांगितलं तोच धागा पकडून आळेकरांनी आळेकर सरांनी
ज्या पद्धतीने काळा पांढरा विवेक असू शकत नाही आणि आत्ताची जी स्थिती कशी एक थोडीशी भयावह आहे आणि चार विचारवंताचे त्यातनं जे खून झाले त्याविषयी कलाकार काय करू शकतो हे जे सांगितलं, ते आपली अस्वस्थता कलाकार कशी व्यक्त करू शकतो हे जे सांगितलं, त्याबद्दल आळेकर सर आम्ही आपले खूप खूप आभारी आहोत, आपल्याला खूप खूप धन्यवाद. आजच्या ह्या कार्यक्रमासाठी सभागृह उपलब्ध करून दिलं आणि बाकी सगळं सहकार्य केलं याबद्दल राष्ट्रसेवा दलाचे आम्ही अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीतर्फे मनपूर्वक आभार मानतो. आणि आजची ही संध्याकाळ आज की शाम वरुण के नाम असं म्हणत आपण सगळेजण ज्या मोठ्या संख्येने ते उपस्थित राहिलात आणि आमचा उत्साह द्विगुणित केला तेव्हा असेच चांगले चांगले कार्यक्रम देण्याचं आश्वासन देऊन आपल्या सगळ्यांचेही मनपूर्वक आभार मानतो आणि कार्यक्रम संपला असं जाहीर करतो. धन्यवाद सगळ्यांना.